चलो यहां से टोटल 200 एमसीक्यू मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इसे ध्यान से देखिएगा और स्कोर भी लगाइएगा और बताइएगा भी कि कितना स्कोर किया आप लोगों ने। और आप लोग के आज्ञा के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए है। टोटल देखा जाए तो 200 एमसीक्यू है, उसके साथ वन लिनियर का क्वेश्चन है, तो टोटल लगभग 500 से ऊपर क्वेश्चन है। इसे छोटा मोटा मत समझिएगा, ये एग्जाम के पहले एक आपको छोटा से ट्रेलर है और इस ट्रेलर का मजा लेने के लिए आप लोग आइए देखिए। रिवीजन के तौर पर मैं इसे लाया हूं और ज्यादा मेरा कोई मकसद बड़ा नहीं था, इसे रिवीजन में करा देता हूं, इससे बेहतर आप लोग भी महसूस कीजिएगा और यहां से क्वेश्चन जो बनता है उसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। ये टोटल साइंस के देखिएगा 200 एमसीक्यू का क्वेश्चन है, जिसमें हर सब्जेक्ट वाइज आप देखिएगा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है, यानी ये बिहार एक्साइज कॉन्स्टेबल, बिहार पुलिस, ये सब सभी के लिए इंपोर्टेंट होगा। यहां पर देख सकते हैं साइंस का, विज्ञान का क्वेश्चन है, टोटल देखिएगा 200 क्वेश्चन प्लस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सभी से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं और आंसर मत देखिएगा, चोरा चुटी नहीं, आंसर इसी में है लेकिन आंसर आपको देखना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आंसर आपको आंसर ना दिखाई दे। एक मिनट, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन आप लोग जानते हैं, प्रोटीन आपके शरीर के ढांचागत विकास के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। लगाइए क्वेश्चन, एनडीआर कुणाल, उदय कुमार, शंकर कुमार, अष्टार कुमार, चंद्र मंडल, अरुण कुमार, शंकर कुमार, अंग्री अनु यादव जी, पवन कुमार, ठीक, चौहान राव, कल्पना रानी, काजल कुमारी, विक्की यादव, विक्की, विकेश, विक्कू, दीपक कुमार, इंद्रियन उस्तार, शंकर रानी, ठीक, सुरेंद्र, सुमन, उदय, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, दीपू, शेर, शिवान, ये सभी क्वेश्चन लगाइएगा। प्रोटीन आप जानते हैं, प्रोटीन की कमी से आपको कौन कौन से रोग हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि प्रोटीन की कमी से देखिएगा हड्डी वाला प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक। और प्रोटीन जो होता है कुपोषण में भी देखिएगा कि प्रोटीन बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है, मैं इसे चेंज कर लेता हूं, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं तो ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल से, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और प्रोटीन सबसे अधिक कहां मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और आपको प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए कुछ कुछ फैक्ट मैं आपको बताते चलूंगा। यहां पर देख सकते हैं कि प्रोटीन से होने वाले बच्चों में कौन कौन और बड़ों में कौन से रोग होते हैं, ठीक। प्रोटीन से दो रोग हो सकता है और अति महत्वपूर्ण है, एक मरासमस हो सकता है, एक कवासिकोर हो सकता है। मरासमस जो होता है, कवासिकोर हो सकता है, दो बीमारी आपको हो सकती है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से हो सकती है, इसे भी भली भांति आप लोग याद रखिएगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका कवासिकोर और मरासमस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दो देख लो, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट जो है आपको जानते हैं, रॉकेट आपको कैसे जाता है, रॉकेट ऐसे सीध में जाता है, बहुत मतलब सीधा जाता है ना रॉकेट। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है, नियम पूछे तो न्यूटन का थर्ड लॉ, क्योंकि ऊपर की तरफ रॉकेट जाता है, नीचे की तरफ उसका एनर्जी फेंकता है, प्रणोदक रूप में, एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसका। और रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के रेखीय सिद्धांत पर यह काम करता है, इसे भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो दो के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, और न्यूटन के नियम पूछे तो थर्ड नियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीन देख लीजिए, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक सूत्र है, एक बार मैं आपको यहां बदल लेता हूं। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, जिप्सम से बनता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और जिप्सम का पूछता है कि क्या फॉर्मूला होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछता है कि क्या होता है। ये दोनों आपसे फॉर्मूला, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला पूछते हैं, तो ये आपको लाना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट होता है, क्या हो जाएगा यहां पर, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, माफ करना, ये पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस को होता है CaSO4 × 1/2 H2O होता है, ठीक, क्योंकि गर्म कीजिएगा तो बहुत से पानी उड़ जाता है। ये होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है कैल्शियम सल्फेट। और यहीं पर देखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O होता है। अब ये जो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां आपको देखने को मिलता है, तो तुम्हारा हथवा टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही चढ़ाया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहां पर देख सकते हैं व्यापारिक नाम दिया हुआ है। जैसे यहां पर देखिए सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, इसको NaCl बोला जाता है, NaCl समुद्र में मिलता है, खाने वाला नमक। और यहां पर देखो खाने का सोडा पूछे तो जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, खाने का सोडा बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा। फिर एक यहां पर आप देख लो, यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है NaHCO3, यहां देखो व्यापारिक नाम में धोन सोडा, जिसे धोने वाला सोडा कहा जाता है, जिसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है, यानी तुम कपड़ा जो धोते हो वो सोडा होता है, इसे देखो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक। यहां पर देखो, फिर यहां पर देखो कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहां पर NaOH होता है इसका आपका फॉर्मूला। जल्दी जल्दी मैं रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। जिप्सम का देख लो, जिप्सम मैंने आपको बताया कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को देखोगे इसका होता है कैल्शियम सल्फेट,
जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ये याद रखिएगा, और कैल्शियम सल्फेट में हेमी हाइड्रेट जोड़ दे तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, यानी कि ऊपर जो मैंने बताया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि आप जैसे ही गर्म कीजिएगा वो क्या होता है 2H2O से हाफ H2O हो जाता है, तो वो ध्यान में आप रख लीजिएगा कि कभी भी दे पूरा फॉर्म आपको दे नाम का तो लगाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले थे, ऑप्शन में वही था इसलिए मैंने वो लगा दिया, ठीक। तो व्यापारिक नाम जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 × 2NH2O होता है, और इसी को गर्म करोगे तो कौन सा बनेगा, इसको गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, यानी हाथ वो टूटता था इसका इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ यहाँ पर हो जाता है, हाफ SO4 हो जाता है। चलो यहाँ पर देखो व्यापारिक नाम चौक, जो तुम लोग ऐसे चौक से लिखा जाता है ना बोर्ड पर, जिसे हम लोग खल्ली बोलते हैं, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 होता है, ठीक। फिर यहाँ पर देखो संगमरमर, संगमरमर देखोगे, सुनो ना मेरी, संगमरमर वो वाला होता है, वो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका भी CaCO3 होता है। फिर यहां पर देखो नौसादर पूछता है, नौसादर इसमें से क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड। फिर यहां देखो व्यापारिक नाम में लाफिंग गैस पूछ सकता है आप लोगों से, जो लाफिंग गैस क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, जिसे N2O बोला जाता है लाफिंग गैस में, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर चार देखो, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आकाश के क्या मतलब, क्या तुम लोग देख रहे हो, बफरिंग हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं सर, एक बार में याद कैसे होगा, याद नहीं करना है, रिवीजन करना है। अंकित हाजीपुर में बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद अपने आप हो जाता है, ठीक। लगाओ क्वेश्चन, रिवीजन कीजिए, मैं रिवीजन के थ्रू आप लोगों को कराने के लिए ये चीज आया हूं, तो इसे रिवीजन के तौर पर ही आप लोग इस्तेमाल कीजिए, जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं, ठीक। बाकी ये सब तो सभी आप लोगों को पढ़ा हुआ है, पढ़ा दिया गया है बहुत पहले ही। आकाश में सबसे अधिक चमकदार ज्यादा तो हो रहा है ये साइरस, साइरस को ही क्या बोला जाता है, साइरस को ही डॉग स्टार भी बोला जाता है, साइरस को ही डॉग स्टार बोला जाता है, तो कहीं साइरस मिलेगा और कहीं डॉग स्टार, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, प्रक्षिमा संचुरी सूरज के बाद सबसे नजदीक तारा है, यानी कि सूरज बीज है जो कि हमारा तारा है, यानी आपको पूछे पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूरज हो जाएगा, अगर सूरज ऑप्शन में ना दे तो प्रक्षिमा संचुरी आप लोग लगाओगे, ठीक। तो देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल नहीं है, ध्यान से रखना है कौन सा पूछ रहा है नहीं और कौन सा पूछ रहा है हां, सबसे पहले नहीं आता है तो उसको इसे गोला से घेर दीजिए, इससे समझ में आ जाता है हमको आंसर क्या लगाना है, नहीं पूछ रहा है यानी नहीं, क्या नहीं पूछ रहा है तो खरीफ फसल नहीं हुआ, खरीफ फसल में मैंने बताया है क्या क्या होता है, तो खरीफ फसल यानी कि चावल, चावल च से चावल तीन शब्द के, ख से खरीफ तीन शब्द के, यह याद रखिएगा। तो यहां पर धान हो जाएगा, धान के साथ मक्का बोया जाता है, मूंगफली बोया जाता है, मसूर, मसूर हुआ, बूट के दाल हुआ, ये सब जो दाल बोया जाता है, या कबली हुआ, ये सब तो गेहूं के साथ बोया जाता है ना, तो गेहूं यहां पर हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं खरीफ फसल। तो ये पूछ रहा है माफ करना, रबी फसल हो जाते हैं, ये मसूर हो गया, गेहूं हो गया, दाना मतलब कि दाल बोला जाता है जिसे, ठीक, ये सब जो हो गया ये सब रबी फसल के हो जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी जो है खरीफ फसल नहीं है, मसूर खरीफ फसल नहीं है, ठीक। ऋतु के आधार पर आपको देखो, मैंने ऋतु तीन प्रकार की ऋतु जो है उसके आधार पर देखो फसलों का वर्गीकरण किया गया है, एक रबी फसल या अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक, अक्टूबर नवंबर में बोला जाता है, यानी अभी जब मैं वीडियो करा रहा हूं ये कौन सा फसल हम लोग काट रहे हैं, रबी फसल काट रहे हैं, जिसमें से देखोगे कि कौन कौन होगा, गेहूं होगा, जौ होगा, चना होगा, मटर होगा, सरसों होगा, अलई आलू होगा, राई होगा, अलसी होगा, ये जो भी होते हैं ये कौन होते हैं, रबी। अभी देखो मैं इसमें अभी यार कितना तारीख है, 30 अप्रैल है ना, तो देखो अभी 30 अप्रैल से पहले ही कटा चुका है बहुत से जगह पर, तो गेहूं देखोगे हार्वेस्टर से या कोई भी काट कर इसका अब देखिएगा बनाया जाता है, ठीक, और इससे ये फसल निकलता है। फिर देखोगे रबी फसल, खरीफ फसल, जिसे रबी फसल देख लिए, खरीफ, खरीफ दो देखोगे मानसून ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक, खरीफ मतलब आपको बिया, पहले बिया डाला जाता है, फिर आपको उसको उखाड़ा जाता है, फिर रोपनी किया जाता है, तो ये जून जुलाई में देखोगे बोया यहां पर बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट ली जाती है, ठीक, ये याद रखिएगा। इसका मुख्य फसल कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तेल, सोयाबीन, ये सब। गर्मा फसल क्या होता है, तो दोनों के बीच के जो समय बचता है, यानी कि ये मई जून में दोनों के बीच में, यानी रवि और खरीफ के बीच में जो समय बचता है उसमें गर्मा फसल उगाया जाता है, जब गर्मी के दिन होता है, जब लोग हम लोग गाँव में क्रिकेट पैच बना देते हैं, क्रिकेट के खेलने के लिए उस पर पिच बना देते हैं, उस समय गर्मा फसल देखने को मिलेगा, नदी के किनारे ये ज्यादातर गर्मा फसल आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज होता है, ये बीच के समय होता है, यानी कि रवि और खरीफ फसल के बीच के समय में, गर्मी के दिन होता है इसलिए पानी वाला ये फसल होता है, इसमें से ज्यादातर पानी आपको निकलता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि गर्मी के दिन में ये खाया जाता है, और इसका मुख्य खरबूज तरबूज ये सब आता है, खरबूज तरबूज ककड़ी ये सब आपको होता है, कौन सा गर्मा फसल के अंदर रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ, संगणक के आईसी चिप बने होते हैं, जो मोबाइल के आईसी चिप होते हैं या संगणक के होते हैं, ये आपको आईसी चिप किसके बने होते हैं ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन, सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, अभी कुछ नहीं पीडीएफ फुटीएफ तुमको मिलेगा, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ, कुछ पीडीएफ नहीं मिलने वाला है, ठीक, क्वेश्चन चुपचाप लगाओ, तुमको जब भी आता है सर जी इसका पीडीएफ मिलेगा, क्या पीडीएफ मिलेगा, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ, तुमको जब देखो पीडीएफ के चक्कर में लगे रहते हो,
हमको समझ में ना आता पीडीएफ वाले अगर करते क्या हो। संगणक जो होता है आईसी चिप जो होता है आईसी चिप हुआ ये, इसमें अब अर्धचालक का उपयोग किया जाता है या सोलर सेल में देखिएगा इसका उपयोग किया जाता है। ये किसका किया जाता है? सिलिकॉन का किया जाता है, मोबाइल के भी चिप में किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्धचालक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? जो सामान्य मानव शरीर है इसका तापक्रम क्या होता है ये लगाना है। क्वेश्चन लगाइए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या है लगाइए। ठीक, तो समान जो मानव शरीर है इसका तो एक तो फरनहाइट में दिया रहता है, एक तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। फरनहाइट में दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस दोनों क्वेश्चन में ले लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। फरनहाइट में देखोगे तो 98 होता है, 98 पॉइंट कितना होता है क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या लगा रहे हो तुम लोग? लगाओ नहीं लगा लो। हाँ, 98.4 होगा यहाँ पर, 98.8 नहीं 98.4 के लगभग फरनहाइट में इसका आंसर हो जाएगा। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण मिठास आ जाती है? मिठास किसके कारण आती है ये आपको बताना है। दूध में, दूधवा में कैसे मिठास आ जाती है ये आपको बताना है। यानी किसकी कमी आपको, किसके कारण जो होता है दूध में मिठास आता है, क्या पाया जाता है इसमें से, क्या पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा आपको दिखेगा दूध की शुद्धता भी मापी जाती है, सो लैक्टोज पाया जाता है। छोटा छोटा गलती करोगे फिर बाद में बोलोगे सर जी हमसे गलती हो गया, सर जी कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। ठीक, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन आप गलती करोगे, 1000 बार प्रैक्टिस कराया हुआ क्वेश्चन गलत करोगे, अपना शरीर का तापमान समान नहीं जान रहे होगे डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में, तो फिर गलती तुम करोगे। और ये गलती करोगे तो इसका खमियाजा तुम खुद बहुत करोगे, इसका जिम्मेवारी मैं नहीं उठाता हूं क्योंकि इसका ये बार बार रिविजन में करा चुका हूं। बहुत से लोग ऐसे गलती करते हैं। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टो में आपको देखोगे दूध में विटामिन सी नहीं होता है और आयरन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है दूध में, इसलिए बैलेंस फूड नहीं कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध से देखिएगा मथा जाता है, यानी कि दूध से दही जब बनता है, दही को मथा जाता है, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा उसको मक्खन निकाला जाता है। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अप मतलब बाहर की तरफ, जैसे वॉशिंग मशीन भी कौन काम करेगा? अब केंद्रीय बल पर काम करता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 से देखो। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता कौन है? नोबल पुरस्कार देखोगे 1901 से आपको शुरुआत हुआ है, अल्फर्ड नोबल के याद में ये दिया जाता है उनके ही पैसों से। ठीक, तो नोबल पुरस्कार अल्फर्ड नोबल ने डायनामाइट की खोज किया था और बहुत अमीर इंसान था। ठीक, ये आपको बताना है। तो ये रसायन के क्षेत्र में देखोगे दिया गया था जकोपस हेनरिकस को सबसे पहले 1901 में देखोगे नोबल पुरस्कार दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारे भारत में दिया गया है सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था 28 फरवरी 1928 को। देखोगे कि ये खोज किए थे आपको रमन इफेक्ट के बारे में, सीवी रमन ने खोज किया था, इसलिए उनको 30 में रमन इफेक्ट के लिए ही नोबल प्राइज दिया गया था। यह भी याद रखिए भौतिकी के क्षेत्र में। उससे पहले आपको दिया गया था किसको प्राइज? इसको दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि पुस्तक लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। लाफिंग गैस, ज्यादा बोलोगे ना यही छोड़ दिया जाएगा, हंसते हंसते पट जाओगे। लाफिंग गैस आपको बताओ इनमें से कौन सा है? लाफिंग गैस जो होता है इसे नाइट्रस ऑक्साइड बोले, तो मैंने ऊपर ही कराया आप लोगों को, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O जो होता है, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। मृत्यु के उपरांत शरीर के जांच अथवा पोस्टमार्टम जो होता है, यानी शरीर के आपको जांच किया जाता है कि किस कारण से आपकी मृत्यु हुआ है, उसे पोस्टमार्टम बोला जाता है। सो पोस्टमार्टम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला ऑटोप्सी, बोला जाता है ना कि डॉक्टर अभी ऑटोप्सी कर रहे हैं। ठीक, इसे क्या बोला जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। बी हो जाएगा इसको। डायलिसिस तो आप लोग जानते हैं, डायलिसिस आपको जब किडनियां खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। मिनी माता रोग किसके द्वारा फैलता है? मिनी माता जो रोग होता है ये पानी में कौन सी आपको मिला रहता है, घुला रहता है, तो मिनी माता रोग हो सकता है, या किसके प्रदूषण के कारण मिनी माता होता है? तो ये देखोगे पानी में अगर पारद यानी पारा घूम जाता है, पारा यानी जिसे हम लोग आपको क्या बोलते हैं पारा, और देखोगे बैरोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है, ये द्रव धातु के रूप में होता है पारा, ये याद रखिएगा। और कैंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच कौन सा है? यानी कि सूरज जब के हानिकारक हाना सूरज के जो हानिकारक किरण होता है हमारी आंखों की रक्षा करना होता है, तो हम लोग जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं उस चश्मे में किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। तो बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फेरस के ऑक्साइड का होता है। किसका होता है? फेरस के ऑक्साइड का। क्या लगा रहे हो तुम लोग बबुआ? अगर रिजल्ट नहीं दिए तुम लोग ना, तुम लोग उठा गए अगर फेंक आएंगे उधर से। आंसर 10 सेकंड के बाद बोलिए ना। अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो तुम लोगों को बात मान ली, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 लगाओ। वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत है, इसलिए मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूं, आंसर नहीं बताता हूं कि आंसर आप ही लोग लगाइए। ठीक, इसलिए वायु प्रदूषक देखो, वायु प्रदूषक में सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। सो वायु प्रदूषक में सल्फर के ऑक्साइड होंगे, और वही जांच करने के लिए हम लोग लाइकेन का नाम लेते हैं। लाइकेन किससे किससे मिलकर बनता है? एक तो एलगी से फंगस, दोनों मिलकर आपको लाइकेन का निर्माण करता है, और लाइकेन से ही क्या बनता है? लिटमस पत्र बनता है। वही लिटमस पत्र जैसे लाल को आपको नीला कर दे तो क्षार होगा, और नीला को लाल कर दे तो अम्ल होगा। और विशेष बात है, यह बैंगनी प्रकार के होते हैं,
लिटमस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बैंगनी प्रकार के होते हैं। तो वायु प्रदूषक के विश्वसनीय संकेतक क्या होते हैं? लाइकेंस और मोन्स हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन है? ऑब्वियसली सी बात है, दैनिक जीवन में प्राथमिक सेल यानी कि जो टॉर्च तुम लोग बारते हो, जो रिमोट में बैटरी लगाते हो, जो गाड़ी चलाते थे हम लोग बचपन में उसमें जो बैटरी लगाते थे, या ऊपर से जो कड़ा होता था टीन का पतरी उस पर लगाया होता था, या कुछ बैटरी एवरीडी में आपको टीन का पतरी नहीं लगाया होता था, वो क्या होता था आपको वो छोटा छोटा बैटरी होता है उस पर कागज लगाया करता था, फिर लेप लगा रहता था अमोनियम का। तो ये आपको देखोगे कि दैनिक जीवन में जो आपको उपयोग होते हैं प्राथमिक सेल, इन्हें शुष्क सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क सेल, सूखा सेल कहा जाता है। 15 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। नगदी फसल है, बड़ी चुरा चुरा कर बेचने जाते होगे, चुरा कर बेचने जाओगे तुरंत नगद पैसा मिल जाएगा, ठीक। ये नगदी फसल है यानी कि बेचने जाओगे इसका नगद नगद पैसा मिलता है, इसमें से नगदी फसल कौन सा होगा बताओ? इसमें से नगदी फसल हो जाएगा तुम्हारा गन्ना और कपास, जूट, ये सब जो होता है नगदी फसल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। गेहूं में रस्ट बीमारी होती है, जो गेहूं में रस्ट बीमारी होती है, गेहूं कैसा है? तो रबी फसल मैंने बताया। गेहूं सबसे अधिक कहां होता है? तो चाइना में होता है, चाइना के बाद इंडिया में होता है। इंडिया में सबसे अधिक गेहूं कहां होता है? तो गेहूं होता है इंडिया में सबसे अधिक अपना उत्तर प्रदेश में होता है। तो गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे मस्त मिट्टी कौन सा जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जाना जाता है, यानी अच्छा मिट्टी जाना जाता है। और गेहूं में आपको देखोगे गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है ये कवक के कारण होती है, कवक के कारण होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले पूछा था किसने किया था? तो जीव विज्ञान के दो शब्द दो लोगों ने सबसे पहले, एक आपको लैमार्क और ट्रिविमिनस, ये सबसे पहले इनका उपयोग किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? यानी पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था, ये लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज आप लोगों को लग रहा है कि जोश जगा हुआ है और ये जोश को कम नहीं करना है और बढ़ाते रहना है, ठीक। ये बहुत अच्छा, ये रेटर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रेटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। कार का एसआई मात्रक क्या है? अबे भैया कार देखो, कार देता है, बल देता है, ये सबका एसआई मात्रक पूछ देता है। और आसान आसान क्वेश्चन होता है लेकिन सस्पेंस में लोग गलती मार देते हैं। देखो एक एसआई होता है, एक सीजीएस मात्रक होता है। एसआई मात्रक वाला 1971 में हम लोगों ने अपनाया है। तो एसआई जो का मात्रक होता है ये होता है कौन सा? तो ये हो जाता है आपका, बताओ कार का एसआई मात्रक क्या होगा? हाँ, जूल हो जाएगा। और जूल क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक पूछे तो 10^7 अर्ग बराबर हो जाते हैं। अर्ग भी आपको क्या है? सीजीएस मात्रक। क्या है? सीजीएस। और ये कौन सा है? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है। और पूछे आपको वाट किसका है? शक्ति का मात्रक है। न्यूटन में देखोगे न्यूटन किसका है? बल का मात्रक है। और एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 10^5 डाइन, डाइन मतलब जो डाइन होता है, डाइन कर देती है वही होता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन जो बम है ये किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम, ये देखो हाइड्रोजन बम के बारे में बता रहा है, यानी हाइड्रोजन जो बम हो इसमें क्या होता है? संलयन होता है। नाभिक जो छोटे छोटे नाभिक को संलयन किया जाता है यानी जोड़ा जाता है और ये आपको बम बनता है, यानी हाइड्रोजन के नाभिक जोड़े जाते हैं। और ये एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर को जाता है आपको हाइड्रोजन बम विकसित करने का श्रेय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। परमाणु बम पूछे तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जाता है, ठीक। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये आपको जाता है परमाणु बम। परमाणु बम पूछे तो कब कब गिराया गया है? तो परमाणु बम दो बार गिराया गया है जापान पर अमेरिका द्वारा, 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, और आपको देखोगे 9 अगस्त 1945 को फैटमैन आपको नागासाकी पर अमेरिका द्वारा 1945 में गिराया गया था, ठीक। तो ऐसे कर गिराया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखोगे 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, किसके लिए? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, आइंस्टीन को। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं उसे क्या हम लोग कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कण के बंडल के रूप में आते हैं, और आपको देखोगे इसमें ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्ध किया था 1921 में, और आपको देखिएगा उसके लिए नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को मिला था। और उसके लिए हम लोग इसका सोलर सेल पैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो देखोगे कि सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, माफ करना ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। यहां पर देखो ये लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? जो तुम्हारा पूरा सर्किट होता है घर, वो आपको कौन सा समानांतर श्रेणी में जो होता है, और फ्यूज तुम्हारा कौन सा होता है, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखो फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो देखो फ्यूज जो तुम्हारा होता है शीशा और टीन से मिलकर बना होता है, जिसका प्रतिरोधक और पूछता है गलनांक, तो प्रतिरोधक अधिक होता है, गलनांक कम होता है, और यह विद्युत के उसमें प्रभाव पर होता है। विद्युत के उसमें ज्यादा आपको बिजली आता है, जल जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। एक होता है समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में फ्यूज जोड़े जाते हैं और समानांतर क्रम में पूरा हमारा घर का वायरिंग होता है, ठीक। इसका आंसर 23 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। परमाणु के नाभिक में होते हैं परमाणु, देखो परमाणु ये हो गया, एक मिनट, ये तो गोल नहीं परमाणु बना है,
एक मिनट, यहां पर देखो ये होगा अपना परमाणु, ये परमाणु कितना मस्त बन गया हो, कितना मस्त बन गया परमाणु। ठीक, अब एक देखो, एक हो गया ये नाभिक, ये नाभिक हो गया। ठीक, ये नाभिक हो गया, नाभिक की खोज किसने किया था आपको, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है आपको, माफ करना, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। सॉरी मैं तो कुछ उल्टा ही लिखता, अयो ये क्या हो गया, भाग जा रहा है वो, बहुत ही बदमाश हो गया है ये। चलो ऐसे ये भी ठीक है बन गया, यहां पर हो गया, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, बाहर होता है। ठीक, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई जीरो आवेश होता है, इस पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। अब यहां पर दे रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं ओबीसी से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए आपको नाभिक संख्या पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग बता देते हैं। इससे भी याद रखिएगा, प्रोटॉन लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो परमाणु संख्या पूछे तो या तो प्रोटॉन संख्या या तो इलेक्ट्रॉन संख्या तुम लोग बता देते हो। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसे याद आप लोगों को रखना होगा। कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे.जे. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण आपको रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये जेम्स चैडविक ने किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। खोज यहां पर देख लो आ गया, निपटाओ इसे, चलो जल्दी से हम निपटा देते हैं। यहां पर लगाओ क्वेश्चन, हां यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था, रेड आवेशित होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, आपको पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन की खोज आपको कोई आवेश नहीं होता है, जेम्स चैडविक ने किया था। अब यहां पर देखो मोसान की खोज किया गया था युकवा द्वारा, मिसान की खोज युकवा द्वारा किया गया था। पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, कार्ल एडर्सन ने इसकी खोज किया था। ठीक, अब देखो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, इसे भी याद रखना चाहिए। ठीक, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉल डॉल्टन ने दिया था। ठीक, आगे देखो बोर सिद्धांत किसने दिया था, निल्स बोस ने दिया था बोर सिद्धांत। परमाणु क्रमांक जो होता है, ये मोसले, जो मोसले बताए थे पीरियोडिक टेबल में, कि जो भी आपको परमाणु होता है वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा मोसले हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल जो होगा परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग। क्वांटम आपको सिद्धांत जो दिया गया था, मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। और आपको परमाणु भार के अकॉर्डिंग जिसने बताया था, ये पूछता है, मेडलिफ ने बताया था। ये आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है, बताओ किस में नाइट्रोजन पाई जाएगी, बताओ किस में नाइट्रोजन पाई जाती है, क्या दिक्कत है, लगाओ क्वेश्चन लगाओ। लाल पीर मुंह का है तुम लोग दिखा रहे हो जी, होली बीत गया कहिए। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन जो पाई जाती है प्रोटीन में पाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं किस में नाइट्रोजन पाई जाती है, प्रोटीन में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, प्रयोगशाला में एक पूछता है कि आपको जो ये है सोयाबीन में कितने परसेंट आपको प्रोटीन पाई जाती है, तो 42%। और ये पूछता है कि यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 46%। ऐसे याद रख लेना, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, देखो आ गया ये क्वेश्चन भी आ गया, प्रयोगशाला में सबसे पहले जो संश्लेषित यौगिक था उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको बताना है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CO NH2, इधर भी लगा दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO और NH2K होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये जो होता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया में सबसे पहले संश्लेषित किया गया था 1828 में, देखोगे वोहलर ने सबसे पहले आपको इसको संश्लेषित किया था। क्वेश्चन नंबर आपको देखो 27, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, उतना ही प्रतिशत भूभाग पर जल है विश्व में, यानी हमारे विश्व में देखा जाए तो सबसे अधिक जल दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है और सबसे उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। ठीक, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा समुद्र है। अब देखोगे कि यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर, उतना ही प्रतिशत पर मिलता है जितना आपको सूरज में हाइड्रोजन मिलता है, यानी पूछे कि सूरज में हाइड्रोजन कितना परसेंट मिलता है, 71%। पूछे विश्व में आपको जो लगभग कितना मिलता है जल हमारे पृथ्वी पर, तो ये 71% हो जाता है। तो दोनों मामला में लगा देना है, 27 के आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है, इसमें से कौन सा उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू आपको तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक इसमें से कौन हो जाएगा। उत्तक जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और उत्तक जो हो जाता है इसमें रक्त हो जाएगा आपको संयोजी, तरल संयोजी उत्तक। रक्त जो होता है 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में, और पूरे शरीर का आपका 7% होता है, इसे भी याद रखिएगा, पूरे शरीर का 7% होता है और ऐसे 5 से 6 लीटर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 29 देख लो, अनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है, अनुवंशिकता के नियम जो दिया गया था यह किसके द्वारा दिया गया था। मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, यानी गार्डन पी पर प्रयोग किए थे, साधारण मटर का पौधा था, और वो दिए थे मेंडल। मेंडल को कहा जाता है क्या, मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब लगाओ यहां से
यहां से चलो जड़ से रिवीजन करा देते हैं, फादर अलग अलग ठीक। यहां पर देखो वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, करोलस निनियस को कहा जाता है। वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, करोलस निनियस को। इतना चौपट एक लड़का है, हम बड़ी मार मारते सामने द्रष्टर चलाकर, यार तेरा सुपर स्टार तुमको मारते ठीक। हमने दोपहर में क्वेश्चन कराया है तो हमको गलती से हो गया था कि एड्स के जनक, मतलब हम सोचे कि एड्स के पिता कौन है, और बुड़बक का तो हमारा नाम ले दिया था, मतलब कि हम पूछे थे कि एड्स के जनक कौन है तो बोल रहा था आप हैं। अरे भैया हम काहे के लिए एड्स फैलाने जाते, तुमको तो चौपट हो गया है क्या दिमाग में ठीक। हम एड्स के काहे के लिए जनक होंगे, इतना बढ़िया सुगर सागर देखो एकदम स्वस्थ मनुष्य, ऊपर से नीचे सब चीज काम करता है, सब बॉडी का पार्ट, फिर भी तुम्हारा देखो चौपट बुद्धि। अनुवांशिक के पिता कहा जाता है जे जी मंडल को, आपको मेंडल को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है लुईस पाश्चर को कहा जाता है। प्रतीक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज किया था। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। और इको सिस्टम शब्द किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। क्वेश्चन देखो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये आपको लगाना है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लगाओ क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लगाओ क्वेश्चन। इतना मजाक करता है ना यार तेरा सुपरस्टार, तोरा हम बोल देंगे ना तो तू भाग जाएगा तुरंत ठीक ना। कोशिका का ऊर्जा गृह देखो, सेल जो होता है, सेल जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं, इसका ऊर्जा गृह वहीं पर होगा जहां पर आपको ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि यहां पर जहां पर एटीपी का 38 एटीपी का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में, यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को क्या बोला जाता है, 38 एटीपी को आपको कोशिका के करेंसी भी बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन हाउस बोला, मतलब प्रोटीन हाउस इसे राइबोसोम को बोला जाता है, और आपको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता कौन है, जो परमाणु के नाभिक खोजा गया था, परमाणु के जो नाभिक होता है उसके खोजकर्ता पूछ रहा है। सो परमाणु ये हो गया, ये हो गया अपना परमाणु, ये हो गया अपना नाभिक, तो परमाणु से छोटा ही होगा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इसकी खोज जो किया गया था रदरफोर्ड ने किया था, किसका, रदरफोर्ड ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लगाओ, निम्नलिखित में से कौन में कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, आपको बताना है, विटामिन का नाम बताना है। और यह देखो तुम लोगों का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, मतलब बीपीएससी असिस्टेंट में, किसमें किसका नाम साइनोकोबालिन है, यानी सिर्फ यह था किसका नाम कोबालिन है, यानी कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको वैसे से लगा दोगे, यानी विटामिन टू B12 साइनोकोबालिन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 लगाओ, किसी तारे का रंग दर्शाता है, कोई तारा है, यानी कोई तारा, यहां पर डी कर लो भाई, एक मिनट यहां पर डी कर लो, दो सी आ गया है, तो तारे का रंग क्या दर्शाता है, उसका ताप दर्शाएगा, ओबीसी सी क्या दर्शाएगा, तारे का गाढ़ा रंग होता है उसका ताप ज्यादा है, तो तारे का रंग क्या दर्शाता है, उसका ताप दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल पर क्या पाया जाता है सबसे अधिक, ये आपको बताना है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक जो पाया जाता है, ये पाया जाता है तुम्हारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। भूपटल पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर यहां पर 35 देख लो, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है, या ये देखो ये तुम लोग को आसान क्वेश्चन अभी करा रहे हैं ठीक, एक रिवीजन के तौर पर कि आसान आने वाला क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं छूटे। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊंगा, यानी अभी 200 क्वेश्चन और आप लोगों का बाकी हो गया, ये तो 200 क्वेश्चन, वो 200 क्वेश्चन में तुम लोगों का ना पसीना छोड़ा दिया ना, और तो 30 में 30 क्वेश्चन कर आओगे, मुझे पूरा भरोसा है 30 में 30 क्वेश्चन तुम लोग कर आओगे, ये पूरा दावे के साथ मैं कर रहा हूं, ये कर आओगे तुम लोग ठीक। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा हो जाएगा, सबसे देखो सबसे अधिक या सबसे बड़ा जो है फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ये आपको सबसे अधिक बड़ा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व हो जाएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व या बड़ा, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, एक दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को, मानो दूरदृष्टि दोष पीड़ित है, यानी दूर की वस्तु तो दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा, ये कितना मतलब अजीब टाइप से नाम रखा गया है, दूरदृष्टि दोष। अरे भैया तो जो दोष होगा उसमें तो वो चीज नहीं दिखाई देना चाहिए ना, तो इसमें क्या होता है कि दूर की चीज दिखाई देता है, यानी कि अगर तुम लोग 2 किलोमीटर पहले से एक लड़की आती हुई देखना चाहते हो तो तुमको ये बीमारी हो जाए। 2 किलोमीटर लड़की, मतलब 2 किलोमीटर दूर लड़की है, तुम लोग अच्छे से उसको देखना चाहते हो तो ये बीमारी हो जाए। अगर नजदीक आकर एकदम तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए, वो बीमारी हो जाए, तो ये चीज है। तो ये बीमारी क्या होता है, ये खतरनाक बीमारी नहीं है जी, ये दूरदृष्टि दोष के लिए है, दूर की वस्तु नहीं दी, दूर की वस्तु दिखाई देगा, सॉरी ये खतरनाक बीमारी हो सकता है ना, दूर की वस्तु दिखाई देगा, नजदीक की वस्तु ना दिखाई देगा, तो ये दूरदृष्टि दोष होगा। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, ये तो गलत है, पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, ये सही है, पास की वस्तु मेरी ये हो जाएगा, पास की वस्तु नहीं दिखाई देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और दूर की वस्तु तो दिखाई देता ही है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, दो ग्रह जिनके उपग्रह ही नहीं है, दो ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, ये आपको बताना है, दो ग्रह का नाम बताना है। देखो दो ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, ये सूरज हो गए, अपना सूरज में नाभिक सलेन, सूरज आपको देखिएगा, ये 8 को आपको ग्रह बना दो, यहां पर हो जाएगा बुध, यहां पर हो जाएगा शुक्र, यहां पर हो जाएगा पृथ्वी, यहां पर हो जाएगा मंगल, ये हो गया एस्ट्रॉइड बेल्ट।
तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के पार देखोगे, यहाँ पर मान लो बृहस्पति हो गया, यहाँ पर शनि हो गया, यहाँ पर होगा अरुण और यहाँ पर वरुण हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल देखा जाए तो यहाँ पर एक बुध हो गया जो सब सूरज के सबसे नजदीक है, एक शुक्र है जिसे सांझ के तारा, भोर के तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार सबसे अधिक जो उपग्रह है ये आपको बृहस्पति का हो चुका है, उसके बाद शनि का हो चुका है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड है, इसे भी याद रखिएगा। डीमोस फोबोस मंगल का उपग्रह है, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या लगाओगे देख लो, हाँ बी हो जाएगा इसके आंसर। हमारे एक उपग्रह है यानी चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा है, उनका हम लोग 59% भाग अपने पृथ्वी से देखते हैं, 59% भाग ही दिखाई देता है। आगे देखो, वो आपको पृथ्वी का एक आपको नेचुरल सेटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। ये विषाणु जनित, देखो फिर से यहाँ पर नहीं पकड़ो, यहाँ पर दिया है नहीं तो यहाँ पर ऐसे घेर दो और फिर क्या दे रहा है, विषाणु जनित। तो विषाणु देखो, विषाणु जनित होने वाला इसमें कौन कौन रोग होगा और जो नहीं होगा वही पकड़ कर आपको आंसर लगा देना है, ठीक। तो ये चीज़ आपको तो करने आना ही चाहिए, कोई भी हाल में आपको ये क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। पहले नहीं देखो पकड़ो और फिर जो पूछ रहा है वो आपको लगा देना है, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे हैजा, हैजा हैजा होता है ना, ये हैजा जो होता है, टाइफाइड जो होता है, ये सब जो होता है, पीलिया रोग होता है, ये सब क्या होता है, ये सब पानी जब खराब पियोगे, खाना खराब खाओगे यानी जीवाणु जनित, तो उसके कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। बाकी बर्ड फ्लू हुआ, चिकन पोक्स हुआ, डेंगू हुआ, ये सब जो होते हैं ये सब आपको वायरस जनित बीमारी होते हैं। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, विषाणु वायरस से होने वाले रोग। देख लो, वायरस से होने वाले रोग यहाँ पर लिखा हुआ है, रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिनजाइटिस जो मस्तिष्क का रोग होता है, हेपेटाइटिस है, ट्रोकोमा है, आँख के रोग है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, ग्लासोथ है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी जो होता है ये वायरस जनित बीमारी होती है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो सकते हैं मनुष्य के लिए अति आवश्यक, जिसमें से प्रोटीन भी होगा, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट भी होगा, जिसमें से थोड़ी मात्रा में वसा भी होगा, तो ये सभी आपको महत्वपूर्ण हो जाएंगे, यानी कि सभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपके महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है ये बताता है कि अगर हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसमें उसका हिस्ट्री रहता है, इतिहास रहता है कि आखिर कारण क्या है इसको आपको दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए। तो ब्लैक बॉक्स सबसे पहले खोला जाता है और इसका नारंगी या लाल, नारंगी या लाल रंग होगा, ज्यादातर नारंगी ही ऑप्शन में देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी होगा, इसको खोजने के लिए। लाल क्यों किया जाता है नारंगी, कि दूर से ही दिखाई देते, रात में भी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फरनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं। तो किस बिंदु पर सेंटीग्रेड या फरनहाइट तापक्रम दोनों बराबर हो जाते हैं, तो माइनस कितना, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है इस पर क्या, माइनस 40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फरनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42, चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ये देखो, वैद्युत प्रतिरोध करना, वैद्युत प्रतिरोधकता दे ओम मीटर हो जाता है, वैद्युत प्रतिरोध दे आपको ओम होता है, ठीक। तो ये याद रखना, वैद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होता है ये ओम होता है, ओम, ठीक। और वैद्युत प्रतिरोधकता अगर दे देता है, वैद्युत प्रतिरोधकता, तो ओम मीटर हो जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, जो आधुनिक टेलीफोन होता है यानी अभी का जो टेलीफोन है, जो तुम लोग पहले ट्रिन ट्रिन घंटी बजता था, तो आधुनिक टेलीफोन जो होता था इसका उपयोग रेडियो तरंग के रूप में किया जाता है। क्या होता है, रेडियो तरंग के रूप में किया जाता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं, एंजाइम जो बने होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ये जैव उर्वरक उत्प्रेरक रूप में भी जाने जाते हैं, जैविक उत्प्रेरक के रूप में भी एंजाइम को बोला जाता है। तो एंजाइम मुख्य रूप से होते क्या है, आपको बताना है। तो ये होते हैं आपको क्या, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, हीरा किसका अपरूप है। अरे बाप रे, हीरा, हीरा, हीरा बताओ, हीरा जो होता है ये किसका उपरूप होता है। जो हीरा होता है इसमें देखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। ये याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, और ये किसका होता है, आपको कार्बन का उपरूप होता है, ग्रेफाइट का उपरूप होता है। ग्रेफाइट तो विद्युत का चालक भी होता है, ये भी याद रखिएगा। हीरा आप देखोगे इसके चतुष्फलकीय होता है और षट्फलकीय कार्बन जो हो, मतलब कार्बन का उपरूप ग्रेफाइट होता है, षट्फलकीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। आगे चलते देखो यहाँ से, बाकी हीरा क्यों चमकता है, आगे मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, सभी उसमें समझा दिया हूं, चिंता मत करो, ठीक। हीरा जैसे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होने वाले घटना महत्वपूर्ण, मैं आपको बता दूंगा आगे। क्वेश्चन एक लिया हूं, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। यह बताना है कि इसमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। द्रव भी है यानी लिक्विड भी है और ऊष्मा का अच्छा चालक भी है, ये हो जाएगा पारा, यानी मरकरी की बात कर रहा है, ठीक। मरकरी, मिनीमाटा रोग हो सकता है इसके, आपको देखोगे पानी में मिलता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एकाएक अगर आपको पारा नीचे गिरता है, यानी एकाएक आपको पटकांक जो होता है बैरोमीटर का नीचे गिरता है, तो
तूफान आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था। एक्स किरण, एक्स होगी तो कौन होगा, रोएगा, एक्स होगा तो रोएगा। और सबसे पहले देखोगे कि इनके लिए भौतिक पुरस्कार भी मिला था, यानी भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार भी इनको मिला था 1901 में। और इनका नाम क्या है, ये रोएंटजन, रोएंटजन, ये इनका एक्स छोड़ा और 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया, क्योंकि इन्होंने रो रोकर, आपको देखोगे तो रोएंटजन हो जाएंगे। और ये एक्स के लिए बोले कि एक किरण खोज करेंगे, काहे खाती एक्स हमको छोड़ गई। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसलिए 1901 में इनको सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन 48 देखो, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, 1 किलो कैलोरी जो होता है लगभग आपको देखोगे किसके बराबर होता है, यह आपको पूछना है। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन के जूस में घोर कर पिए है ना, तो बढ़िया है, ऐसे ही चाहिए, क्वेश्चन को जूस में ही घोर कर पीना है, एकदम पी जाना है। और वहाँ पर जाकर उल्टी नहीं करना है, ठीक, पचा कर जाना ही नहीं, वहाँ ये पी जाओ और वहाँ पर जाकर क्वेश्चन उल्टी कर पूरा पेपर ही खराब कर दे, नहीं, वहाँ पर जाकर अच्छे से क्वेश्चन लगाना है बेकायदे, ठीक, लगाइए, बहुत अच्छा। अरे लगभग 4200 होता है, लगभग 4200 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4100 से नहीं 42 सभी देता है आपको, तो इसका आंसर ये आपको बी लगा लेना है, लगभग आपको ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, जल का शुद्धतम रूप होता है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है ये आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन कराया है कि जल का जो शुद्धतम रूप होता है ये क्या होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, जल का शुद्धतम रूप जो होता है उदासीन, ये वर्षा का जल होता है। और जल का पीएच मान जब शुद्ध जल होगा तो पीएच मान उसका क्या होगा, 7 हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, एक चटकन मारेंगे चटक के चटक जाओगे, ये हो जाएगा चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, यानी कि जो प्रतीत होता है ये कैसा प्रतीत होता है ये आपको बताना है, ये किस कारण से चटका हुआ प्रतीत होता है, यानी कि ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई देता है उसमें से, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण हीरा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चटका हुआ आपको जो कांच होता है वो चमकीला होता है, परखनली में पानी में डालोगे तो वो चमकता है, मृग मृच्छिका होता है, एंडोस्कोपी जो पेट में आपको डालकर किया जाता है उसको भी यही सिद्धांत पर काम करता है, तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण देख लो, हीरे का अधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, रेगिस्तान में मृच्छिका बनना यानी दूर से तो हिरण दिखाई देगा, जाने पर पता ही नहीं चलेगा हिरण है, या पानी गिरा हुआ रोड पर ये भी आपको होता है इसी कारण, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर भी इसी धनान पर काम करता है। अगर तुम लोग जानते हो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता कैसा है तो अपने पापा यहाँ के जाओ, पापा के पास जाकर एक थप्पड़ खींच कर बोलो कि गाल पर मारे चपक। प्रवीण राज सबका भला करो यार, चलो यहाँ पर देखो, ये जो होता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन में तैयार करके रखा हूँ जो कि एक सब समझो कि मील का पत्थर साबित होने वाला है, और आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन प्रश्न मैं आपको लाने वाला हूँ। 1000 बोला हो ना तो 1000 वो ऐसा प्रश्न होगा कि 60 से 65 क्वेश्चन आप लोग पूरा, मेरा कोशिश होगा कि उसमें से टारगेटेड आप लोगों को दे दूँ, ठीक। ये तो बस ऐसे ही आपको एक मतलब मजा में सोचा कि रिविजन आप लोग करा देते, बहुत दिनों से साइंस का रिविजन नहीं हुआ है, 200 और क्वेश्चन लाकर रिविजन करा देंगे, ठीक। तो डोंट वरी, ये देखोगे ये चीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, पानी में जो हवा के बुलबुले होते हैं, हवा के बुलबुले वो भी आपको देखोगे इसी कार चमकते हैं, ध्यान में रखना, ये हवा के बुलबुले पूछ रहे हैं, यानी पानी में सर्फ डालोगे वो चमकेगा, या पानी जो साबुन वाला होगा या तेल वाला वो चमकेगा, वो कारण दूसरा होता है, इंटरफेरेंस होता है उसका, व्यतिकरण कारण होता है, ये बात ध्यान में रखना। कालिक का पोता हुआ गोला चमकता है, यानी कि कालिक से पोता हुआ गोला जो होता है वो भी चमकता है, इसी कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 51 है, सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है, सूरज का जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ये आपको बताना है, सूरज का ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये तो ऐसा लोग बोल रहा है कि सर जी इसको मत अपलोड कीजिएगा, नहीं तो, अरे पढ़ने दो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अरे कहाँ है तुम लोग चिंता कर रहे हो, तुम लोगों के लिए तो ऐसा चीज तैयार कर रहे हैं ना कि समझ लो कि फिर तुम लोगों का तो लाइफ झींगा लाला हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूरज की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, जो हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सूरज के प्रकाश हमारे यहाँ 8 मिनट 19 सेकंड के करीब समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड, इसे 20 सेकंड भी आप लिख सकते हो, इतने समय में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है सूरज के प्रकाश। क्वेश्चन याद देखो, सूरज का अधिकांश भाग हाइड्रोजन जो कि 71% है, हीलियम 26% बना होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण। प्रवीण राज तो ऐसे बोल रहा है, सॉरी (laughs)
और किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति के कारण होता है। वैसे देखो को क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में ही होता है, और कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में ही होता है। 52 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि आपको पौधे के जो बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति उसको कठोरता प्रदान करता है। क्वेश्चन 53 लगा लो, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन में पहले ही आप लोगों को करा चुका हूं कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान दे सकता है। यानी मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो कि जो है जो अंकित विद्यार्थी है, ये अंकित विद्यार्थी है, ठीक, नकचढ़ू अंकित विद्यार्थी, ठीक, दांत करी से है, तो ये जो मान लो ये शादी में गया और शादी में गया नाच देख रहा था और किसी ने गोली छोड़ा और इसके धाय धनी सीना में आकर लग गया, जो कि ये पहले से प्यार वार नहीं करता था तो सीना में ही लगेगा, तो यहां से खून निकलने लगा, ठीक, तो इसको खून की कमी होगी। अब इसको पता चला कि इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसका ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है, ए बी है, ए बी है या बी है, ठीक, ये ए बी है, बी है, इसका मतलब मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक, और एक आपको स्टार के पास या निरंजन कोई भी पकड़ दो, यहाँ से स्टार या निरंजन के पास से बगल में सोया हुआ है, अब उसके बाद अरे हमारे दोस्त को तो गोली लग गया, तो ये भागल भागल हॉस्पिटल में आया, एक हाथ से खून निकाला गया, और एक हाथ से खून तभी दिया जाएगा या तो एक ए बी या बी होगा इसका, तो इसको ब्लड ग्रुप बी होगा तब ये दिया जाएगा या ए बी होगा तभी तो ये दे पाएगा इसको, या यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। तो बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान दे सकता है, तो ये एबी को भी दे सकता है और बी प्रकार को भी दे सकता है, बी वाला, ठीक, एबी को भी और बी प्रकार को भी दे सकता है। देखो ओ वाला को इनवर्सनल डोनर कहा जाता है, ये तो किसी को भी दे सकता है, ये याद रखना, ये किसी को भी दे सकता है, क्या है, दे सकता है ब्लड, यानी कि ओ ग्रुप भी अगर मान लो या स्टार का ओ ग्रुप है तो ये दे सकता है किसी को भी, ये तो किसी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, बट अगर मान लो किसी का ए बी होगा, अगर मान लो किसी का ए बी होगा, यहां पर ए बी होगा, ए बी किसी का ब्लड ग्रुप है, ए बी प्लस ओ निगेटिव होता है, तो ओ से यूनिवर्सल आपको डोनर कहा जाता है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, ए बी क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, यानी किसी से ब्लड ले सकता है, तो देखो ये ए बी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ये किसी से आपको ले सकता है, इसके आंसर क्या होगा, तो ये आंसर आपको लगा लो, लगा लो, यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, रेशम कीट का पालन कहलाता है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है आपको बताना है, रेशम की कीट का पालन क्या कहलाता है, जिसमें रेशम के कीट का, रेशम देखोगे आपको कर्नाटक में अधिक मिलता है रेशम होने का, अपना बिहार में देखोगे भागलपुर में रेशम होता है, तो रेशम कीट का पालन आपको बताना है, रेशम कीट का, तो लगाओ यहां पर क्वेश्चन, तो रेशम कीट का पालन कहलाता है, यही आपको सेरिकल्चर होता है, बताओ क्या होता है, पीसी कल्चर में तो मछली होता है, एपिकल्चर में मधुमक्खी होता है, सेरिकल्चर हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, कैंडेला किसका मात्रक है, कैंडेला, तो कैंडेला देखोगे अगर तुम लोग पार्टी करने जा रहे हो, मान लो तुम्हारा कोई साथी है, साथनी है, या तुम्हारा लखनी कोई है, कोई लखना लखनी है तुम्हारा मान लो, और तुम जाते हो उसके साथ कैंडल जलाते हो, क्यों, कैंडल इसलिए कि उसका तीव्र रोशनी मिले तुमको, कैंडल इसलिए जलाया जाता है कि तीव्र रोशनी मिले, यानी कि कैंडल जलाओगे किसके लिए, तो तीव्रता के, यानी रोशनी के लिए, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ज्योति तीव्रता हो जाएगी, ज्योति तीव्रता हो जाएगी, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, लगा लो आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होता है बट कोई होना भी तो चाहिए जिसके लिए तुम कैंडल जलाओगे, नहीं तो चुपचाप अगरबत्ती जलाकर आ जाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी तल से पलायन वेग बताओ क्या होता है, पलायन वेग होता है मान लो इसमें से किसी को उठा लो, ठीक, पलायन वेग जो होता है मान लो कि पृथ्वी अपना है, सो पृथ्वी ये हो गया, पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी पर सभी हम लोग हैं, तो किस स्पीड से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसको छोड़ते हुए ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाए, ठीक, इसका गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ते हुए बाहर निकल जाए, तो मान लो कि यहां पर कोई आदमी मान लो यहां पर, ठीक, आदमी का है कि इस बार लड़की मान लो, क्योंकि वो सब कुछ तान ये क्या बोला, चांद तारा और ये सब ज्यादा चाहिए, सूरज ये सब, क्योंकि बोला जाते कि चांद तारे फूल और शबनम तुमसे अच्छा कोई नहीं, और फिर तारा तोड़ कर लाऊंगा, चांद तोड़ कर लाऊंगा, कदमों में बिछा दूंगा, ऐसा ऐसा गाना आता है, तो मान लो ये कोई लड़की है, लिपस्टिक लगाई हुई, यहाँ पर इसका ये बाल हो गया, अब इसको कौन से स्पीड से तुम फेंकोगे कि हमेशा के लिए ये चंद्रमा पर जाकर लिपस्टिक लगाए, इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी ये जो होता है पलायन वेग होता है, और इस पलायन वेग से फेंकोगे तो ये अपना वायुमंडल छोड़कर बाहर निकल जाएगी, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये आंसर हो जाएगा सी, अरे भाई हम मजाक कर रहे थे, तुम लोग फेंकने शुरू मत कर देना, ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, बीटा किरणें बनी होती है, जो बीटा किरण होती है ये किसकी बनी होती है, ये लगाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन अब लगाना है, ठीक, बीटा जो किरण होती है, जैसे कि जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे अल्फा बीटा गामा ये सब आपको निकलता है, ठीक, सो बीटा किरण जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, तो देखो अल्फा जो होती है वो आपको हीलियम के नाभिक बराबर यानी पॉजिटिव होती है, बीटा जो होता है वो रेड आवेशित होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर रेड आवेशित होता है बीटा पर, आप लोगों को पता होना चाहिए, और अल्फा पॉजिटिव होता है, और गामा का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है, इसे भी याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58 देख लो, निसअंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, निसअंधता जो है ये किसके कारण होती है, निसअंधता देखो किसके कारण होती है, नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, निसअंधता किसके कारण होती है ये बताना है, किसकी कमी के कारण होती है निसअंधता, ये होता है विटामिन ए, विटामिन ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। ठीक, हमारे एक मतलब कि एक दोस्त था और वो गया था अपने ससुरारी में और उसको यही बीमारी था, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस था। ठीक, रात को दिखाई नहीं देता था, ठीक ना, तो गया था और उसको क्या किया कि उसकी साली इतना बदमाश थी कि रात को ही वो क्या किया कि नाश्ता लेकर आई, ठीक, और नाश्ता लेकर आई, बोली कि ये जी जाई खा लें। अब नाश्ता में क्या की थी कि एकदम खतरनाक तरीके से छेना बनाई थी और छेनवा जो है ना वो बनाई थी आटा के, ठीक, और ओकरा में मिर्चा डाल दी थी। अब बेचारा को नहीं दिखाई दिया, ठीक, और वो सोचा किया था छेने हैं और साली के छेना भगवैला खाता है जीजा लोग। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए के कारण रेटिनोल इफेक्टिव होता है, एक का नाम रेटिनोल है और रेटिना तुम्हारा इफेक्टिव होता है, यानी कम हो, विटामिन ए कम हो जाता है तो तुम्हारा रतौंधी रोग हो सकता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। विटामिन बी1 के कारण थायमिन होता है, इसका नाम और बेरीबेरी रोग हो सकता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कारण आप देखोगे एस्कॉर्बिक रोग हो सकता है। सिट्रिक फलों में अधिक मिलता है, यानी आंवला में अधिक मिलेगा। और विटामिन डी तो तुम लोग जानते हो कि सूरज के प्रकाश में मिलता है, कैल्सिफेरॉल इसका नाम है। ठीक, तो ये क्या किया कि चुपचाप खा लिया और फिर बोला कि भैया इसलिए जो साली जो होती है गांव की बड़ी दत्कटा होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज किसने किया था। देखो रेडियम की खोज अलग हो जाएगा, रेडियोधर्मिता की खोज अलग हो जाएगा। ठीक, तो रेडियोधर्मिता की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये बताओ, ये किया गया था ए एच बेकुरल द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुरल, एच बेकुरल द्वारा किया गया था। डी हो जाएगा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, इसमें से बताना है यौगिक कौन सा है। लगाओ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूं। लगाओ क्वेश्चन, इसमें से कौन सा यौगिक होगा, लगाओ क्वेश्चन। ये लो, जो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होगा ये लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60 लगाओ, अरे थोड़ा सांस भी लेने दोगे। जल जो हो जाता है यौगिक, वायु तो मिश्रण होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल जो होता है जिसे H2O तुम लोग बोलते हो यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 61 लगाओ, इनमें से कौन सा द्रव धातु है, देखो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ये देखो इनमें से कौन सा द्रव धातु है। और पिछली बार भी देखोगे एग्जाम कराने से पहले मैं ये वीडियो कराया था, ऐसे क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन तुम लोग की एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक, ये देखो इनमें से फायरमैन में ये एग्जाम पूछा था, द्रव धातु और द्रव अधातु दोनों क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक, तो द्रव धातु पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा भैया, पारा जो होता है द्रव धातु होता है और जो ब्रोमीन होता है द्रव अधातु होता है। 61 का आंसर डी हो जाएगा, आराम से लगा लो। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 62, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, अगर भोजन में कमी हो जाता है बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाओगे तो तुमको गलगंड रोग जिसे बोला जाता है, जिसे ग्वाइटर बोला जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है कहां से, थायरोक्सिन ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, वो आपको देखोगे वहीं आपको प्रभावित करता है, ग्वाइटर रोग होता है वहीं से। ठीक, इसका 62 का आंसर देखोगे डी हो जाएगा। ठीक, अस्कर्बी विटामिन सी, बेरीबेरी विटामिन बी ले होता है, रिकेट्स विटामिन डी के कारण होता है, ये हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा, ग्वाइटर जिसे गलगंड रोग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, मधुमेह संबंधित है, सो मधुमेह रोग जिसे चिनिया रोग बोला जाता है ये किससे संबंधित है, देखो मधुमेह जो संबंधित है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। अजीत कुमार, अब ये आपके ऊपर है, ये आप जानिए, हम हमसे पूछ रहे हैं ऐसा चीज कि सर जी सेटिंग करा लें, कन्फर्म बोल रहा है तो हमरो भी एगो ऐसा दो सेटर भेजो कि हमू कन्फर्म बता दे, वो सबका और काते नाप देते हैं। हमारा भी तो कोई ऐबे ना करता आता है तो सीधे मुंह बंद कर देता है, कहता है सर जी हम ब्लूटूथ देंगे स्टूडेंट को और ब्लूटूथ अगर चालू रहा और अगर आंसर हमारे पास आ जाएगा तो हम उसको बता लेंगे और 2 लाख रुपया हम ले लेंगे। ठीक, लेकिन अगर कन्फर्म दे रहा है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो हमारे पास भेजो, भेजो हमारे पास, हमू देख ले और कितना औकात है। चिरकुट लोग का बात देखो आप लोग करते हो, हमको महा एकदम फालतू लगता है। उस चोर चोट्टा पहले से होता है, वो छोड़ता है कि इधर से चाट ले, उधर से थोड़ा मिल जाए चाटने के लिए, इधर से थोड़ा खाने के मिल जाए, उधर से कटोरी में मिल जाए। अरे इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, चुपचाप एग्जाम से तैयारी करो। ठीक, एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊंगा, चुपचाप एग्जाम की आप लोग तैयारी करो। 1 घंटा रिपोर्टिंग टाइम घटाया गया है, उसमें उन लोगों का नकिया टाइट कर दिया जाएगा। आगे देखो, मधुमेह रोग संबंधित है, सो मधुमेह जो रोग होता है ये कहां से होता है, लैंगरहंस के दुबका के बीटा सेल से निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये आपको इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन आप देखोगे कि उसके कम श्रावण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में और उसे मधुमेह रोग कहा जाता है। 63 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से यक्ष्मा रोग, निम्नलिखित में से यक्ष्मा यानी टीबी के रोगाणु कौन है, टीबी जो होता है तुम लोगों का ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो टीबी होता है बैक्टीरिया कारण, किसके कारण, बैक्टीरिया कारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है, दूध में उपस्थित शर्करा पूछता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन पूछता है, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक, चिंता मत करो।
दूध में उपस्थित जो शर्करा होती है यह होती है लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, इसे याद रखिएगा। फल में फ्रुक्टोज होता है, सबसे आपको मीठी शर्करा फ्रुक्टोज होती है, यह भी याद रखिएगा। लैक्टोज लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है, और दूध में आपको देखिएगा एक आपको रेनिन पाया जाता है, प्रोटीन भी। आगे देखो क्वेश्चन, रेनिन पाया जाता है कि केसिन पाया जाता है, यह पहले बताओ। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है कि केसिन पाया जाता है, यह क्वेश्चन बताओ। तो दूध में अगर तुम लोग से पूछे कि प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, लगाओ क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, देखिए तुम लोग लगाओ तो, थोड़ा बहुत ज्यादा तुम लोग देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, लगाओ क्वेश्चन। केसिन पाया जाता है कि रेनिन पाया जाता है, अगर दे देता है दोनों ऑप्शन तो तुम लोग तो भुलाइए जाओगे ना। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, बहुत अच्छा केसिन, बहुत अच्छा केसिन होता है, तो ध्यान से रखना तुम लोग, ये सब याद रखकर चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 देख लो, क्लोरोफिल के संरचना में कौन सा सम्मिलित होता है। अरे भाई तुम लोग समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, तुम लोग एकदम मार दोगे 90% इसमें से सही, इस बात को आप लोग समझ लो कि सही मार दोगे, लेकिन उन लोगों को भी तो साथ में लेकर चलना है कि जो जीरो लेवल से शुरुआत किए हैं, उनको छोड़कर तो हम चल नहीं सकते, इतने बच्चे हैं, साथ में लेकर चलना है और साथ में आपको भी लेकर चलना है। तो मैंने बोला ना कि ये 200 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कराने से पहले ही मैंने बोला कि इसे बस प्रैक्टिस कर लो आप लोग ठीक। फिर इसके बाद एक हार्ड वाला सेशन आएगा 200 क्वेश्चन का, जिसमें आप देखोगे कि आप लोगों का नासा टाइट करेंगे ठीक। यहाँ पर देखो क्लोरोफिल में उपस्थित जो होता है कौन सा होता है, क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम उपस्थित होता है, खून में लोहा उपस्थित होता है, इसे भी याद रखिएगा। और आपको जस्ता जो होता है आपको इंसुलिन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 कैंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, एनीमोमीटर किसके मापन के लिए होता है। सो एनीमो नाम से ही पता चल रहा है, एनीमोमीटर किसके मापन के लिए होता है, तो ये होता है वायु के वेग मापन के लिए, वायु के वेग मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा, ये भी याद रखिएगा ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ग्रेगर जैन मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। तो ग्रेगर जैन मेंडल, मेंडल को मैंने क्या कहा, अनुवंशिकता के पिता कहा था, और मटर पर प्रयोग किए थे, यह क्या हो जाएंगे, अनुवंशिकता के पिता हो जाएंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स हो जाएंगे। 68 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, भोपाल दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण होता था। तो भोपाल की जो दुर्घटना हुआ था, अमेरिकन कंपनी था, कार्बाइड की कंपनी था, रात को ही हो गया था, 2 से 3 दिसंबर 1984 में, यह देखोगे 2 से 3 दिसंबर 1984 में यह दुर्घटना हुआ था, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव हुआ था। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 69 के आंसर आप लगा लोगे, क्या दिक्कत है। चलो आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो यहां पर 70, निंद्रा रोग पैदा करता है, निंद्रा रोग ज्यादा नींद नगले रहता है, यह निंद्रा रोग किसके कारण पैदा होता है, कौन सी मक्खी काट लेती है तो निंद्रा रोग पैदा होता है। तो सीसी मक्खी जिसे आप लोग बोलते हो, सीसी मक्खी, और इसका क्या होगा, निंद्रा रोग कैसे किसके कारण होता है, तो ट्रिपोनोसोमा के द्वारा होता है ठीक, ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है, इसके आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत जमते हैं, यानी कितने दांत जो बार जमते हैं, यानी एक आपको दुधा का दांत होता है, तो दुधा का दांत टूट जाता है तो फिर से जमता है, दुधा का दांत टूटता है 20 गो होता है, और दांत में आप देखोगे कि दांत का ऊपर वाला भाग डेंटाइन का बना होता है, और दांत के सबसे ऊपर वाला जो देखो दांत जो बना होता है डेंटाइन का बना होता है, और दांत के सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है शरीर के सबसे काड़ा भाग होता है वो होता है आपको एनामिल जिसे बोला जाता है ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दांत जो होता है उसमें आपको कैल्शियम जरूरी होता है ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, जल की अस्थाई कठोरता के कारण क्या है, जल की अस्थाई कठोरता होगा तो इसमें आपको देखोगे जल्दी से झाग उत्पन्न नहीं करेगा, जल की अस्थाई कठोरता होगा तो झाग उत्पन्न नहीं करेगा, और जल की अस्थाई कठोरता के कारण क्या होता है ये आपको बताना है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। क्या है, तुम लोग चिंता कर रहे हो, आसानी से पढ़ो, क्या दिक्कत है भाई। क्वेश्चन 72 लगाओ, केसिन से तो वाइट होता है ना, मिल के प्रोटीन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोटीन भी है वो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73 माफ करना, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, देखो जब तुम बकरी या भेड़ मतलब कि यहाँ खस्सी के मांस पूछ रहा है, जब बकरी और भेड़ का तुम मांस खाते हो तो क्या हो, तुम मांस खाते हो तो तुम क्या हो। ये बकरी देखो, बकरी शाकाहारी होती है, बकरी किसको खाती है, तो उत्पादक को, उत्पादक कौन होता है, हरा पौधा होता है, फिर तुम उपभोक्ता होते हो, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता होती है, अगर तुम भी शाकाहारी चीज खाओ तो तुम भी प्राथमिक उपभोक्ता होगे, लेकिन तुम बकरी को खा रहे हो यानी कि तुम बकरी खा जा रहे हो, यानी कि तुम प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहे हो, यानी कि तुम क्या हो, द्वितीय उपभोक्ता हो, क्या हो, द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि तुम मांसाहारी हो, और तुमको कोई अगर निपटा देता है, यानी कि तुम देखो द्वितीय उपभोक्ता क्या है, यह तो आपको क्या हो जाता है, ये द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता को भी कोई खा जाता है तो तृतीय उपभोक्ता होता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जो है वो आपको देखोगे कि आपको जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ठीक, ये याद रखिएगा। उत्पादक जो कि आपको हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लेता है, सूर्य की परिक्रमा जो करता है सबसे कम समय में करता है, ये आपको बताना है, सूरज की परिक्रमा। गुरुजी कर दूंगा, धुआं हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा।
सर एक बात पूछना है कि सबसे पहले कि इस नहीं, वो मिक्सअप होगा क्वेश्चन, वो मिक्सअप क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो सबसे परिक्रमा में कम समय लेगा अगर सबसे नजदीक होगा तो, ऑब्वियसली सी बात है, ये कौन हो जाएगा? तो बुध। कौन होगा बताओ, लगाओ क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये टोटल 8 ग्रह है। प्लूटो को 2006 में 52वां ग्रह घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 75, मीथेन की आकृति होती है। सो मीथेन जो होता है इसकी आकृति क्या होगा? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। पगुराई करते हुए गाय भैंस आपको मीथेन गैस निकलता है। किसी भी चीज को मार दीजिएगा, सड़ेगा गलेगा तो मीथेन गैस निकलेगा। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और आपको दिखेगा आपको कोयला के खदानों में भी ये निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन, ये याद रखिएगा। और मीथेन को बोला जाता है ये समचतुष्फलकीय हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समचतुष्फलकीय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत बल्ब का प्रयोग की जाने वाली गैस है। विद्युत बल्ब में कौन सा प्रयोग की जाने वाली गैस है, ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट टंगस्टन का, और इसमें अक्रिय गैस यानी आर्गन भरा जाता है। ठीक, आर्गन, ये याद रखिएगा। हमारे वायुमंडल में आर्गन कितना मिलता है ये पूछता है, तो ये होता है 0.93%। 0.93% हमारे वायुमंडल में आर्गन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण जो है कि मानव के हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं, कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोट पाया जाता है ये आपके हड्डी में। ठीक, कैल्शियम की कमी से देखिएगा हड्डी आपको कमजोर भी हो जाता है। 77 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में आपको देखोगे हड्डी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो तुम्हारे, देखो हड्डी जो होता है टोटल देखा जाए हड्डी की संख्या, तो आपको नौजवानों में 206 होता है और बच्चों में 300 होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, जब दो समानांतर दर्पण के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या, दो समानांतर दर्पण है उसमें आपको अगर कोई वस्तु रखता है तो प्रतिबिंब ही क्या बनता है? अनंत प्रतिबिंब बनता है। कोई भी दर्पण में तुम अपना पूरा चेहरा पूरा शरीर देखना चाहते हो तो दर्पण को हाफ कर दो, यानी तुम्हारे शरीर का हाफ लंबाई का दर्पण होगा तो पूरा देख सकते हो। 78 का आंसर आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक बताओ कौन सा होगा? सबसे अच्छा विद्युत का चालक जो होता है यह चांदी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे अच्छा चांदी होता है, उसके बाद आपको तांबा का स्थान आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर हो जाएगा ए, ये लगा लेना। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लो, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जो सेफ्टी रेजर है ये इसका आविष्कार जो किया गया था, आज भी देखोगे कि सेफ्टी रेजर लेने जाते हो तो तुम ये बोलते हो हमको जिलेट दो, जिलेट दो, तो जिलेट नहीं किया गया था इसका, सेफ्टी रेजर का इस्तेमाल किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया गया था। हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया बनाया था। हाइड्रोजन बम में क्या होता है ये आपको बताना है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। हाइड्रोजन बम मतलब कि सूरज के जो आपको ऊर्जा का स्रोत होता है वो भी हाइड्रोजन बम में होता है। तो लगाइए सर, नहीं समझे प्लीज बताइए ना पहले। सर प्लीज बताइए ना, वो पहले वाला वीडियो में जो क्वेश्चन करवाते थे वो सब मिक्सअप करवा रहे हैं अब सर। नहीं, ये पहले वाला वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है, तुम पूछ कर रहे हो। ठीक, ये क्वेश्चन साइंस का मैंने तैयार किया है, क्वेश्चन साइंस का 200 है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक, और जो आपको मैंने 1000 बोला है वो मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक, या तो मिक्सअप मिलेगा या तब सब्जेक्ट वाइज 1000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वो चीज अलग होगा, उसका चिंता आप लोग कहां करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहे हो बता क्या रहे हो। हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका क्या होता है? नाभिकीय संलयन। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 82, कार्य का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो कार्य का एसआई मात्रक, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। आपको देखो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और आपको शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, यह भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन है? जो प्रकाश की चाल मापा था यह सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम बताना है। जो प्रकाश के सबसे पहले जो चाल होता है, देखो प्रकाश की चाल जो होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह प्रकाश का चाल होता है। और प्रकाश के चाल सबसे पहले रोमर ने मापा था, क्या होगा? रोबर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर देख लो सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, जो आंख के रेटिना पर, देखो प्रतिबिंब जो बनता है आंख के रेटिना पर बनता है, और वो वास्तविक बनेगा छोटा बनेगा उल्टा बनेगा? वास्तविक छोटा उल्टा बनता है, यानी कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, लगा लो। ठीक, वास्तविक और उल्टा और छोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है ये कैसा बनता है? रेटिना पर बनता है। मान रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। ठीक, आयरिस का काम क्या होता है? जो आयरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, तो ये पूछता है कि आयरिस क्या करता है? तो आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, आंख में नेत्रदान में। मायोपिया से आप क्या समझते हैं? तो मायोपिया माने मेओपिया, ये अवतल लेंस हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। मेरे पिया निकट होते हैं तो मायोपिया हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, अवतल लेंस
का प्रयोग किया जाता है। हाइपरट्रोपिया को यह होता है दूरदृष्टि, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, ल्यूमन किसका मात्रक है, लगाओ ल्यूमन किसका मात्रक है, यह आपको लगाना है। ल्यूमेन, ल्यूमेन जो होता है यह किसका मात्रक होता है, यह बेसिक मात्रक जो है, आप लोग 7 बेसिक मात्रक में पढ़े होंगे ल्यूमेन के बारे में, तो ल्यूमन किसका है यह बताना है। इकोनॉमिक्स प्रवीण राज टचबिन ही, इकोनॉमिक्स में लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन तैयार है, इकोनॉमिक्स जल्दी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत कीजिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तैयार है, ठीक। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमन आपको इकोनॉमिक्स भी करा दिया जाएगा। ल्यूमन आपको हो जाता है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमन होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखिए मूल मात्रक देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है, यानी कि मूल मात्रक से क्वेश्चन पूछता है, तो लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, आपको सेकंड होता है। विद्युत धारा का जो होता है ये एम्पियर होता है। और जितने भी मूल मात्रक है वो स्केलर क्वांटिटी है, और इसी के सहायता से और मात्रक बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत धारा जो होता है एम्पियर, और यहाँ पर ताप जो होता है इसे आपको केल्विन में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता को देखा जाए कैंडेला में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को देखा जाए तो ये मोल में मापा जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब क्या होते हैं, तो लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसका भार तब अधिक हो जाता है तब क्या होते हैं, ये बताना है। लगाइए क्वेश्चन। सर मेरा पूछना था, मतलब था कि सबसे पहले क्लास स्टार्ट किए थे तो करवाते थे 50-50 क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट वाइज वो सब क्वेश्चन भी मिला के करवा रहे हैं। नहीं, ये एकदम अलग है, तुम लोग को दिमाग नहीं है क्या, तुम लोग आपको देख नहीं रहो कि ये सबसे अलग है। वो सब क्वेश्चन तो हार्ड क्वेश्चन कराया जाता था, ये तुम लोग को क्वेश्चन इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि पहले प्रैक्टिस में करा चुका हूं। तुम लोग को इसका सेकेंड पार्ट आने दो, यानी 200 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उसे मैं ला रहा हूं, तब तुम लोगों का हालत खराब कर रहा हूं, ठीक। लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो होता है ये कैसा होता है, देखो यहां से भी आपको देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और लिफ्ट में जो व्यक्ति का भार आपको अधिक होता है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ समान त्वरण से गमन करेगा तो ये भार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो होता है, किसी लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो होता है ये परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है, जब लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में वस्तु का भार बढ़ जाता है, यानी कोई बैठा है तो भार महसूस ज्यादा करेगा, ठीक। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो इसमें आपको क्या होता है, तुम्हारा भार घटा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से, यहां पर देखो ध्यान से, एक समान वेग होगा तो यहां पर त्वरण अपने आप ही आपको क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि त्वरण क्या होता है, आपको इनिशियल आपको देखो त्वरण क्या होता है, या ये वेग जो होता है आपको ये निकाला जाता है, यही ना होता है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस आपको देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम होता है ना, ये तो फॉर्मूला होता है, यानी कि आपको शुरुआती जो होता है वेग उसमें से आपको वेग घटा देना है, यानी शुरुआती वेग आपको फाइनल वेग में से घटा दो बटा में टी कर दो तो तुम्हारा त्वरण निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको होता है, जैसे कि ये होता है भी माइनस यू बटा में टी, यही तो होता है तुम्हारा त्वरण, और एक समान भी होगा तो त्वरण जीरो हो जाएगा, और जब त्वरण जीरो हो जाएगा तो यहां पर देखो जब लिफ्ट एक समान वेग से आपको ऊपर और नीचे आती है तो उस दिशा में व्यक्ति अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, कुछ प्रतीत ना होगा, ठीक। लेकिन ये देखो, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, यानी कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे भी, यानी कि जो एक्सीलेशन है वो जी से भी अधिक हो जाता है, जी हो जाता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, उससे भी अधिक हो जाता है, तो लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति होता है वो लिफ्ट के छत से जाकर लड़ जाता है और कपार फूटने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन नंबर 87 देख लो, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर, देखो ये पानी से भरा हुआ गिलास है, ये गिलास पानी से भरा हुआ है, इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा है और बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तब पर भी अपरिवर्तित रहेगा, यानी पानी बाहर नहीं गिरेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, बेकिंग सोडा यानी खाने बनाने में प्रयुक्त होता है सोडा, उसका रासायनिक नाम बताओ, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 88 लगाओ, ठीक। क्या हुआ, हिंदी का क्लास कब शुरू होगा नीतीश कुमार रावण, हिंदी का क्लास आपको बहुत कम, अरे हिंदी तुम लोग कहाँ चिंता कर रहे हो, हमको समझ में नहीं है, हिंदी सबसे आसान है फिर भी तुम लोग का दिमाग एकदम खराब हो। सर जितना क्वेश्चन साइंस का है एक बार में पीडीएफ बना दे दे और प्लीज़ उसी तरह से रिवीजन करवा दे। गब्बर सिंह आपकी बात ले लिया गया है, अब आप लोग क्वेश्चन लगाओ, इतना लंबा लंबा लिखोगे तो कहाँ से हम पढ़ पाएंगे बताओ, सभी लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसमें आप लोग डिस्टर्ब करोगे सब लोग को तो दिक्कत हो जाएगा, सभी लोग लंबा लंबा लिखने लगते हो तुम लोग, क्वेश्चन सभी लोग लगा रहे हैं बताओ। बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, इसे बोला जाता है NaHCO3 बोला जाता है, NaHCO3 बोला जाता है, इसे याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देख लो, खाने वाला सोडा ये सब मैं पहले आपको बता दिया हूँ, NaHCO3 बोला जाता है, धोन सोडा को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O बोला जाता है, और यहाँ पर देखो व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ये क्वेश्चन 89 लगाओ। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, ये सोडियम बहुत अभिक्रियाशील होता है तो सोडियम को रखकर आपको किया जाता है।
ये लगाओ 89, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है, तो सोडियम को किरोसिन के तेल में रखकर, मिट्टी के तेल में आपको रखा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करो। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन बहुत ही आघात वर्धनीय होगा, ये आघात वर्धनीय होगा, ये आपको बताओ, एक सबसे अधिक आघात वर्धनीय इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोना, सोना हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, सबसे अधिक आघात वर्धनीय होकर इसका आपको बहुत पतला सा पतरी बनाया जा सकता है पीट पीट कर सोना का। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 91, अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो अमोनिया का जो व्यावसायिक उत्पादन होता है उस प्रक्रम का जो नाम है इसे हैबर विधि कहा जाता है ना। ठीक, 91 के आंसर क्या लगाओगे, कैनबे का आंसर हैबर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसे N2O बोला जाता है, N2O जो होता है N2O ये लाफिंग गैस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखो व्यापारिक जो नाम है बिरंजक चूड़ पूछता है, कभी कभी पूछता है कि बिरंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या होता है, सो बिरंजक चूड़ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन, जो बिरंजक चूड़ होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक, और ये देखोगे पानी के कीटाणु जो होते हैं उनको भी मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मूला होता है CaOCl × Cl होता है, CaOCl × Cl होता है। इसका देख लो व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, CaO बोला जाता है, फिर बुझा हुआ चूना जैसे चूने के पानी आपको बुझा हुआ चूना होता है, CaOH के होल्ड ट्वाइस होता है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक, फिर आपको जिप्सम का मैंने आपको बताया है ऊपर, कैल्शियम जो आपको जिप्सम का होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2N2O होता है, और यहाँ पर देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 × 1/2H2O हो जाता है ये। ठीक, ये भी याद रखना, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखो व्यापारिक नाम चौक का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं CaSO3 होता है। व्यापारिक नाम संगमरमर का जो होता है चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaSO3 होता है। फिर यहाँ पर देखो नौसादर का अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl होता है। तो ये सब मैंने क्वेश्चन आपको कराया, क्वेश्चन रिविजन करते चलो। यहाँ पर देखो 93, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी सुई जो होती है इसमें जो भंडारित ऊर्जा होती है ये कौन सी ऊर्जा होती है, यह लगाना है। तो आज ही क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा, ये गति, ये आपको स्थितिज ऊर्जा होती है, माफ करना स्थितिज ऊर्जा होती है, यहां पर आप लोग लगा लेना स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, घड़े के स्प्रिंग में जो ऊर्जा आपको होती है ये कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, इसके आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है ये आपको लगाना है। लगाइए क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये केरल में है, केरल के आपको राजधानी कहाँ मिलेगा, तिरुवनंतपुरम में मिलेगा। ठीक, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मिलेगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देख लो दिया होगा डिटेल्स इसका, हाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक, और ये देखो से इसरो का मुख्यालय पूछे तो इसरो का मुख्यालय देखोगे, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलोर में पड़ता है, और इसकी स्थापना इसरो का हुआ था 15 अगस्त 1969 में। ठीक, फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी जिसे बार्क बोला जाता है, सो बार्क कहाँ है, तो ये आपको देखिएगा मुंबई में पड़ता है। ठीक, बार्क जो है मुंबई ट्राम्बो में, ट्राम्बो जो है मुंबई में ही स्थित है, और इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, मानव रक्त का पीएच लगभग होता है, मानव रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है, और इसका पीएच वैल्यू पूछता है कितना होता है, सो मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, इसे याद रखना 7.4 होता है, यानी कि थोड़ा क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लो, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब आयरन, हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, आयरन। मैग्नीशियम देखोगे कहां पाई जाती है, क्लोरोफिल में, जिंक देखोगे कहां पाई जाती है, तो ये इंसुलिन में, और कॉपर देखोगे, कॉपर भी पूछता है आपको, तो कॉपर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए लगा लेना। कॉपर का देखोगे, कॉपर भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है कि कॉपर का कहाँ, यानी कॉपर मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो तड़ित चालक बनाने में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। 96 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, ए बी है, ए बी कोई रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति है, यानी कि ए बी आपको है, ठीक, तो ए बी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, और व्यक्ति रुधिर दिया जाए, ए बी वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, यानी ए बी है उसका ब्लड ग्रुप, और व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, किसको रुधिर दिया जा सकता है ये बताओ, 97 के आंसर लगाओ, 97 किसको रुधिर दिया जा सकता है। ठीक, अरे ए बी है और उसको ए बी को दे सकता है, ए बी एबीओ को ना दे सकता है भाई, ए बी क्या कर सकता है, ए बी को ही दे सकता है, क्योंकि ए बी को स्वर्गाही बोला जाता है, यह सबसे ब्लड ले सकता है, सबको ब्लड दे नहीं सकता है, तो ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, यानी ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बट ए बी को ही दे सकता है, ये याद रखना है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन,
ब्लड ग्रुप देखो यहां पर इन्वर्सनल एक्सेप्टर कहा जाता है किसको, तो ओ को कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप को इन्वर्सनल एक्सेप्टर का, यहां पर देखो माफ करना, ब्लड यहां पर देखो एबी ब्लड ग्रुप को इन्वर्सनल एक्सेप्टर कहा जाता है, यह किसी से ब्लड ले सकता है इसलिए इसे इन्वर्सनल एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को इन्वर्सनल आपको क्या कहा जाता है, डोनर कहा जाता है, यानी कि ओ जो निगेटिव वाले होते हैं किसी को ब्लड दे सकते हैं, जिन्हें स्वरदाता कहा जाता है। एबी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीबॉडी आपको देखिएगा नहीं होता है, यानी प्रतिरक्षी नहीं होता है एबी ब्लड ग्रुप में। अब जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, यानी प्रतिजन नहीं होता है। ओ वाला में, ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं होता है, एबी प्लस में यानी एबी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। 98 देखो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, जो टीका रोग होता है आज भी क्वेश्चन मैंने कराया, ये टीका जो रोग है किस फसल से संबंधित है ये आपको बताना है, जो टीका रोग है ये किस फसल से संबंधित है, लगाइए क्वेश्चन, टीका किस में होता है, लगाइए। भूख लग गया तुम लोग अभी, जी हम भी तो खाना नहीं खाया ना, फिर भी करा रहे हैं क्वेश्चन तुम लोग को, है टीका जो रोग होता है ये मूंगफली में होता है, किसमें होता है, मूंगफली में होता है, बहुत अच्छा, ये होता है मूंगफली बी, ए हो जाएगा ए यहाँ पर। क्वेश्चन देखो 99, निम्नलिखित में ये बताना है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अरे भूख लग गया तो पानी उनी पी लो यार, मरे जा रहे हो खाने बिना, पहले कुछ दिन तक भूख बर्दाश्त करो। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी आपको बताएं, माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ा होता है, इसे भी याद रखिएगा ठीक। ये देखो और पूछे आपको शरीर से भी पूछता है कि शरीर के सबसे छोटी कोशिका तो होता है शुक्राणु, सबसे बड़ी जो होता है अंडाणु होता है, सबसे लंबा जो होता है न्यूरॉन वाला हो जाता है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा वर्तमान में जंतु कौन सा है, नील हवेल है, नीली हवेल है मतलब सबसे बड़ा। सबसे छोटा जंतु कौन सा है, सबसे छोटा जंतु अमीबा, हाँ एक तरफ से अमीबा ही हो सकता है ना, छोटा जंतु पूछे तो। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु पूछे तो हाथी हो जाएगा, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु पूछे तो हाथी हो जाएगा, सबसे बड़ा मछली पूछे तो व्हेल हो जाएगा ठीक। अरे माइकोप्लाज्मा भी आप बोल सकते हो सबसे छोटा में, सबसे छोटा स्तनधारी पूछे तो छछुंदर भी हो जाएगा, यहाँ पर छछुंदर सबसे छोटा स्तनधारी होता है ठीक। सबसे बड़ा पक्षी पूछे तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, और सबसे बड़ा कोशिका इसी के आपको अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है यह सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हिमिंग बर्ड हो जाएगा, हिमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी पूछे तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100 कि चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में होते हैं, ये लगाना है क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन, चारण मतलब आहार श्रृंखला के जो आधार तल में होते हैं ये आपको क्वेश्चन लगाना है। हाँ चारण आहार श्रृंखला में जो तल में होते हैं ये बताओ, तल में सबसे कौन होंगे, अरे इतना आसान क्वेश्चन है तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो, बताओ। हाँ बहुत अच्छा, ये कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं भाई, उत्पादन करेंगे तभी तो उपभोक्ता बनेंगे, उपभोक्ता खाएंगे मर मिट जाएंगे तो अपघटक उसको अपघटन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका उत्पादक, सबसे तल में होता है। लिंडर ने 10% का नियम दिया था, आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़ा सांस ले लो, पर इससे पहले यहां पर 101 क्वेश्चन भी देखते रहो, थोड़ा सांस ले लो, मैं भी पानी पी ले रहा हूं ठीक, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को ठीक, क्योंकि मुझे भी प्यास लग गया। आगे का 100 क्वेश्चन जो होगा ना वो 40 से 50 मिनट में मैं निपटा दूंगा। चलो अस्थाई चुंबक किस स्थिति में किया जा सकता है, अस्थाई चुंबकम जब बनाया जाता है, मतलब अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है ये इस्पात का बनाया जाता है, और अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है ये नरम लोहे का बनाया जाता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अस्थाई चुंबक आपको ए हो जाएगा। पिटवा लोहा जो होता है, पीट पीट कर सबसे शुद्ध होता है पिटवा लोहा, ये भी याद रखिएगा। स्टील जो होता है कठिनता से चुंबक बनता है, और कठिनता से ही अपना चुंबकत्व भी छोड़ता है, इसलिए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग स्टील का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लाउड स्पीकर, द्विसूचक, गैल्वेनोमीटर आदि के जो बनाए जाते हैं ये अस्थाई चुंबक के, स्टील के ही बनाए जाते हैं ठीक। क्वेश्चन 102 देखो, और जो आपको ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है वो जो होता है अस्थाई तौर पर नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्वेश्चन 102 देखो, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, जंतु और उससे उसके जो वातावरण है, उसके आसपास के जो वातावरण है उसके अध्ययन को कहा जाता है परिस्थितिकी, यह कहा जाता है परिस्थितिकी, इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर 103 देख लो, एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाएगी तो तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा अगर लंबाई दुगुना कर दी जाती है, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा अगर लंबाई दुगुना कर दी जाती है, तो हो जाएगा आपका पहले से दुगुना हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ये कौन सा युक्ति है यानी मशीन है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, विद्युत मोटर है ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है जनरेटर बदलता है ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता को कम और बेसी करने के लिए होता है, वोल्टता को कम बेसी करता है। आगे देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो ऊर्जा रूपांतरण करने वाले प्रमुख देख लो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को नाम डायनेमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ठीक। दूसरा देखो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है इसका नाम है लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा देखो विद्युत ऊर्जा उधर विद्युत लाओगे तो लाउड स्पीकर में आपको ध्वनि निकलता है तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलते हैं जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। पांच देख लो विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने होता है विद्युत बल्ब, विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है इसका नाम है विद्युत बल्ब। छह देख लो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो करता है ये विद्युत सेल है, ये भी याद रखें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ठीक। सातवां देखो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है इसका नाम है ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो करता है इसका ट्यूबलाइट नाम है। आठवां देखो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो है ये माइक्रोफोन है, ध्वनि ऊर्जा को यहां पर ध्यान में रखना माइक्रोफोन करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन ध्यान से लाउड स्पीकर माइक्रोफोन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लाउड स्पीकर में देखोगे कि विद्युत ऊर्जा दोगे तो ध्वनि ऊर्जा निकलेगा, बट माइक्रोफोन में देखोगे कि ध्वनि ऊर्जा दोगे तो विद्युत ऊर्जा निकलेगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला होता है मोमबत्ती, ओबीसी से ये तो जानते ही हो आप लोग। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण जो है सितार गिटार ये सब जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 105 देख लो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था ये क्वेश्चन लगाना है। लगाओ क्वेश्चन सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था ये किया था आपको बताना है जिलेट ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये मैंने कराया क्वेश्चन पहले ही ऊपर ठीक। तो अलग अलग जो यंत्र है उसका आविष्कारक का नाम यहां से देख लो, यानी कि टेलीविजन की खोज जो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जेल बेयर द्वारा, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है याद रखना बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ठीक। बैरोमीटर का टोरेंसली ने किया था यह भी याद रखिएगा। आगे देखो यंत्र देखो वायुयान का राइट बंधु ने किया था ठीक, टेलीफोन का देखोगे ग्राहम बेल ने किया था, मोटर कार का देखोगे ऑस्टिन ने किया था ठीक, ग्रामोफोन का देखियोगे एडिसन ने किया था एडिसन ग्रामोफोन, डॉक्टरी थर्मामीटर का किया था फर्नहाइट ने, डॉक्टरी थर्मामीटर का आपको आविष्कार फर्नहाइट ने किया था, फाउंटेन पेन का किया था वाटरमैन ने ठीक, ट्रांसफार्मर का किया था फायराडे ने ये याद रखिएगा, यंत्र का जो है यंत्र जो है किसको ग्राफ जो है इसका जेसी बोस इंडियन थे इसने आपको किया था इन्होंने, यंत्र भाफ इंजन का जिसने आविष्कार किया था जेम्स वाट था, यंत्र डायनेमो का जिसने आविष्कार किया था माइकल फेराडे था यहाँ पर देख लो माइकल फेराडे, यंत्र हेलीकॉप्टर का जिसने आविष्कार किया था यह ब्रेकेट था ये याद रखिए क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था ठीक। क्वेश्चन नंबर 106 देख लो पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों का नाक और मुंह से खून निकलने लगते हैं जब पहाड़ पर आप चढ़िएगा तो ठीक, का तुम लोग सर चलो ठीक है ये वीडियो नहीं जाएगा बात खत्म। आप लोग का डिमांड है कि सर ये वीडियो अपलोड मत कीजिएगा ये वीडियो नहीं जाएगा बात खत्म ओके, ये वीडियो YouTube पर नहीं जाएगा, आप लोग का डिमांड जब है तो नहीं जाएगा, आप लोग जो बोलोगे वही होगा ठीक, चिंता मत करो। आप लोग ऐसा लग रहा है कि मुझे ये स्पेशल है ये उन लोग जान जाएंगे तो दिक्कत होगा, तो ठीक है भाई तुम लोग जो बोलोगे वही होगा। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है ये आपको बताना है, पहाड़ पर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऊंचाई पर चढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है घटते जाता है और शरीर के अंदर तुम्हारा वायुमंडल का दाब और शरीर के अंदर वाला दाब ज्यादा होता है, इसलिए देखो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है तो अंदर की जो भी चीज है वो बाहर निकलने की संभावना होता है ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वैसे ही देखोगे कि जब कलम आपको इस्तेमाल करते हो आपको हवाई जहाज में तो वो आपको उससे स्याही निकल सकता है, तो 106 के आंसर बी। यहां पर क्या होगा भाई पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि चढ़ाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। एक मिनट ये लगाओ घटता ए में दिया हुआ है, अरे यार घटता ए में दिया हुआ है तो ए हो जाएगा, मतलब बोल रहा था कुछ समझा रहा था सही ही। अल्फा किरण में उपस्थित आवेश होता है, मैंने कराया आप लोगों को कि जो भी आपको देखिएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो अल्फा आपको पॉजिटिव होता है, देखोगे अल्फा क्या होता है बताओ पॉजिटिव बीटा नेगेटिव होता है और आपको गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है और बाद में सभी आपको जो रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर सीसा में बदल जाते हैं, तो अल्फा किरण में उपस्थित आवेश जो होता है दो आपको क्या होता है इकाई धन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर लगा लो क्या होता है बताओ, बहुत अच्छा 107 के आंसर क्या लगा रहे हो, अरे कम से कम सही तो आंसर लगाया करो, बहुत अच्छा ठीक है दो इकाई धन बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 108, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। जो हाइड्रोजन बम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से पढ़े होंगे तो। सर जी एक वीक से आपसे गलती हो रहा है, क्या बात है, सच सच बताइए। हैं, अरे आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वीडियो सर जी दूसरे दिन करेंगे, वो बोले हैं यूट्यूब पर न डालें। चलो ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन बम आपको बताना है, आप लोग क्वेश्चन लगाओ, आप लोग क्वेश्चन लगाओ, बात नहीं एक दूसरे में। क्वेश्चन जो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन बम हो जाएंगे एडवर्ड टेलर द्वारा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो परमाणु बम पूछे तो वो आपको रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखो 109, निम्न में से किसे कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है, कार्बाइड, कार्बाइड किसे कहा जाता है? देखा ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना आप लोगों को, कार्बाइड किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको बताओ, यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है, यूरिया को कार्बाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और यूरिया का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, क्या होता है, NH2 के होल ट्वाइस, और यहाँ पर CO लिख सकते, यानी CO लिख लेना, CO और NH2 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हो, या NH2 का होल ट्वाइस CO भी लिख सकते हो, बहुत तरीका से लिखा जाता है इसे, इस चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देखो, यूरिया कार्बाइड भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग होता है, तो वायु देखो हमारा जो वायु है इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज मैंने बताया आपको, सबसे अधिक आपको क्या होता है, आपको नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, लगभग 21% होता है, यानी 20.95% को 21% ही आप लिख सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 78% नाइट्रोजन होता है, 0.03% क्या होता है, CO2 होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो वायुमंडल में क्या क्या हम सांस लेते हैं, तो वायुमंडल में 78.8% नाइट्रोजन होता है। ठीक, ऑक्सीजन जो होता है 20.95% होता है, आपको आर्गन देखा जाए तो यह 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो 0.0038% होता है, तो 0.03% ही हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, और वाष्प भी होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, किसके मौजूदगी के कारण, लगाओ क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण आपको रक्त जो है ये आपको नहीं जमता है, लगाना है क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, तो शरीर के भीतर पूछ रहा है तो हेपरिन जो हो जाएगा, हेपरिन शरीर के भीतर नहीं, शरीर के बाहर पूछे तो आपसे क्वेश्चन लगाना है विटामिन के। ठीक, तो ये हो जाएगा, हेपरिन जो होता है यही जमने नहीं देता है ब्लड का आपका, इसके आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है, जो डेंगू होता है, डेंगू बहुत खतरनाक बुखार है ना जी, तुम्हारा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाता है, तो डेंगू जो बुखार होता है ये आपको देखोगे ये किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 112 लगा लो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक, एडिस एजिप्टी, एक होता है आपको मलेरिया, मलेरिया भी आप देखोगे कि वो जो होता है प्लेट्स के घटने लगता है। ठीक, ये होता है डेंगू, डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, तो देखो डेंगू संक्रमित मच्छर से फैलता है जिसे एडी एजिप्टी मादा कहा जाता है, और समानता ये मच्छर दिन में काटते हैं, दिन रात में कभी भी काट सकते हैं, ये आपको देखोगे अच्छे पानी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, पारसेक किसकी इकाई है, लगाना है क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है, लगाओ क्वेश्चन दबा कर एकदम। आप सबसे अच्छा काजल है, चुपचाप बाबू क्वेश्चन लगाती है, सर जी को डिप्रेशन हो गया, ये तो महा चौपट, सर बिना देखे बोले बहुत अच्छा, सब गलत लगाए थे, तू सबको उठा कर लेकर फेंक देंगे हिमालय के पर्वत पर से, ठीक ना, तो सब क्वेश्चन लगाना चाहिए, तुम सब ये कर रहे हो कि सर जी डिप्रेशन में, हम कहा कि डिप्रेशन में होंगे चौपट, है अबे बंदर किस्म के आदमी तुम लोग एकदम हो कहा, है हमको समझ में नहीं, हम डिप्रेशन में कहा के होंगे, अरे हो जाता है 200 क्वेश्चन जिस दिन बोलना होगा ना लगातार 2 घंटा, दिमाग बस सठिया जाएगा तुम्हारा, ठीक ना, इतना स्पीड में बोलना होता है, ये नहीं आराम से करा रहे, छिपकली किस गति से चलती है, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कराना होता तो ऐसे कराते, छिपकली किस गति से चलती है, तो इसमें अंतर होता है, वहां से सुनना यहां से कराने में अंतर होता है, बुड़बक कहाँ बोले, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में हमें तुम लोग का एकदम चौपट होगा, BPSC छोड़ रहे हैं तुम लोगों के लिए, मेंस नहीं लिखे एक भी दिन, यानी कि पढ़ाने मेरा मकसद है, यानी कि मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, बुड़बक का ही तुम लोगों से बोले, पार्षद किसकी इकाई है, सो पार्षद जो इकाई है ये दूरी की इकाई है, क्या है, दूरी की इकाई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पार्षद भी आपको प्रकाश वर्ष भी मीटर भी ये सभी दूरी की इकाई होती है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक देख लो, ये आपको खगोलीय इकाई, यह दूरी की मात्रक है, और ये खगोलीय इकाई को बोला जाता है 1 AU, और ये खगोलीय इकाई क्या होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच के आपको मध्य दूरी होता है। ठीक, ये कितना होता है, तो 1.495×10^11 मीटर होता है। ठीक, इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी की इकाई है, और इसमें आप देखोगे कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जो प्रकाश आपको गमन करता है निर्वातमों से प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ये होता है 9.46×10^15 मीटर होता है। ठीक, मीटर में दिया है, किलोमीटर में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, 9.46×10^12 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब किलोमीटर होगा, सेकेंड कहाँ से होगा, दूरी का है तो यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, पार्सेक देखोगे तो ये दूरी के मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और ये सबसे बड़ी इकाई है, तो ये कितना है,
ये हो जाता है 3.086 इंटू 10^16 मीटर। ये जो होता है सबसे बड़ी इकाई है, और ये आपको प्रकाश वर्ष का कितना गुना होता है तो 3.26 गुना होता है ये प्रकाश वर्ष का, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1 नामिक मील मतलब समुद्री मील में 1.8 लगभग किलोमीटर होता है यानी 1800 मीटर होता है, 1 पार्सेक में देख लो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 114 देख लो, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है सक्रिय स्थल कौन सा होता है, लगाना है क्वेश्चन, लगाओ। मुझे एक्सपीरियंस है गुरुजी, इतना इतना तक बच्चों को ट्यूशन कराया हूँ। सर गुरुजी मेरा 14 को DU का एग्जाम है कॉलेज थर्ड ईयर का, और बिहार में अभी 14 को कैसे करूँ गुरुजी, सोनू रनर। भैया आप, आपको डिसाइड करना है DU में पढ़ना है या कांस्टेबल की तरह डंडा लेकर घुमाना है, अब डिसाइड तो आपको ना पढ़ना है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, रिपीटेड यूनिवर्सिटी है आप लोग जानते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो थर्ड ईयर में हो, तो उसे भी मैं नहीं कह सकता कि तुम छोड़ दो। हाँ, हो सकता है कि एक एग्जाम छोड़ने से आगे एक सेमेस्टर की एग्जाम देने का मौका मिलता है, ये भी हो सकता है, अगर तैयारी बेहतर कर ली हो तो ये भी एग्जाम दे सकते हो, तो वो चीज़ आपको भापना होगा कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक, उसमें मैं आपका हेल्प कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक दो सेमेस्टर में एग्जाम छोड़ देने पर वो आगे देने का मौका मिलता है, ठीक। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय जो स्थल होता है ये राइबोसोम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोशिका के समस्त क्रियाएं का नियंत्रण जो करता है ये केंद्रक करता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे कोशिका का शक्ति गृह और कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, जहां पर ATP का निर्माण होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के प्रकाश संश्लेषण का केंद्र या कोशा के अंदर कोशा इसे बोला जाता है, कोश के अंदर कोशा। राइबोसोम जो होता है कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। क्रोमोसोम जो होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, ठीक, क्रोमोसोम जो होता है। क्वेश्चन 115 देख लो, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है रक्त स्राव को रोकने के लिए, लगाओ क्वेश्चन। डाटा खत्म हो गया गुरुजी, सनु ब्रो उस दिन तुमने, हम BHU से क्लास छोड़कर आ रहे हैं। अरे चौपट सब, तू सब अपने में ही तब लग रहा है कि तुम लोग एकदम जंग लड़कर आ रहे हो कि BHU से क्लास छोड़कर आ रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम है सर जी क्या करे, तुम लोग को तो समझ में ना आता है, तुम लोग इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम को इतना हाइक बनाकर दिखाते हो कि देखने वाला भी डर जाएगा। अरे चुपचाप क्वेश्चन लगा लो, इतना डिस्टर्ब करते हो, बताओ कमेंट बॉक्स में, चुपचाप क्वेश्चन लगाना चाहिए, इसे क्या बोला जाता है ये आपको बताना है, ये बताओ क्वेश्चन। पोटास एलम बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, पोटास एलम बोला जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा तुम लोग दिखा रहे हो क्वेश्चन, मतलब कि ये चीज़ हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा, उससे अच्छा अच्छा लोग त्याग कर आते हैं भैया एग्जाम देने के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। किसी के बहकावे में मत आओ, समझो प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुम ही उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, जल की अस्थायी कठोरता जो है पानी में उबाल कर, पानी को उबाल कर खत्म किया जा सकता है, तो जल की अस्थायी जो कठोरता होती है ये किसके कारण होती है, ठीक। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होती है ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यहाँ पर देख लेना दिया हुआ है बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट द्वारा होती है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 117 देखो, परिस्थितिकी निम्नलिखित में से 20 के प्रारंभिक संबंधों का अध्ययन है, तो परिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो परिस्थितिकी में जीव और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 देखो, कौन सा रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय ले जाती है, सो कौन सा रक्त वाहिकाएं होती है जो साफ रक्त को क्या करती है, फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा क्या क्वेश्चन, ठीक। ये जो हो जाता है, ये हो जाता है फुसफुस शिरा, ये देखो फुसफुस शिरा क्या करती है, ये जो करती है, ये कौन सी रक्त वाहिकाएं होती है जो कि जो रक्त है फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, फेफड़ा से हृदय में, इसका आंसर हो जाएगा फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा याद रखना। मानव जो होता है शरीर में रुधिर का संचारण धमनियों द्वारा होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हो सिराए बोलते हैं, यहाँ पर देखो जो धमनी और सिराए दोनों द्वारा, आर्टरीज और आपको वेनस दोनों द्वारा होता है, तो धमनी और सिरा दोनों द्वारा आपको देखोगे कि शरीर में आपको क्या होता है, खून का संचरण होता है। अब इसमें इसका अलग अलग सबका काम होता है, धमनी में क्या होता है जिसे आर्टरीज बोला जाता है, जो रुधिर वाहिका है, हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ये हृदय से शरीर को विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, तो इसे हम लोग धमनियाँ बोलते हैं, ठीक। अब इसमें देखोगे तब हृदय से ले जाएगा तो इसमें आपको क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ये आपको शुद्ध रक्त होता है, तो इसमें समानता शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन जनित रुधिर पाया जाता है, ये याद रखिएगा, प्योर ब्लड ये होता है। और यहां पर देखो किसके सिवाय, तो ये फुसफुस धमनी के, फुसफुस धमनी याद रखना, फुसफुस धमनी के सिवाय जिसमें अशुद्ध रुधिर या आपको बी ऑक्सीजन जनित रक्त होती है, यानी कि पूछ सकता है कि किस धमनी में जो होता है ऑक्सीजन जनित रक्त नहीं होता है, यानी फुसफुस धमनी में नहीं होता है, ठीक। फिर देखो सिराय एक होता है जिसे वे रुधिर वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक लाती है, यानी विभिन्न अंग में पहुंचा दिया गया, ठीक, किसके द्वारा, तो ऊपर देखोगे किसके द्वारा ये पहुंचाया गया है, तो ये आपको धमनी द्वारा, देखो ये चीज मैंने आपको ऊपर ही दिखाया,
ये क्या करता है, जो रुधिर वाहिका है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, ठीक, खून को, ब्लड को, तुम्हारा धमनिया इसे बोलते हैं। सीरा किसे कहते हैं, तो शरीर में जो ब्लड गया है तो फिर तो वो हृदय के पास आएगा ना, तो वो क्या होता है, सीरा होता है। ये क्या करता है, ये वाहिका है जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसमें आप देखोगे सिराओं में समानता अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, ठीक, इसे इम्प्योर ब्लड भी कहा जाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, सीरा में भी एक अपवाद है, फुसफुस सीरा, जो कि आंसर आपको बताया थे क्वेश्चन का, फुसफुस सीरा जो होता है इसमें शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन जनित रुधिर होता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछता है धमनिया और रक्त, इसमें आपको डिफरेंट भी है, ये आप लोग देख लेना, ठीक, चलो मैं दिखा ही देता हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर धमनी और सीरा में अंतर क्या है। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, यानी धमनी जो होती है ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से आपको देखोगे अलग अलग शरीर में वितरित करती है, वहीं सीरा जो करती है, जो अलग अलग अंग में खून चला गया है उसे हृदय के पास लाती है। धमनी लाल रंग की होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जनित ब्लड होता है, और सीरा गहरे रंग आपको लाल रंग के होता है, गहरे लाल या आपको थोड़ा बैगनी कलर का होता है, नीले बैगनी कलर का, क्योंकि उसमें आपको देखोगे CO2 की मात्रा भूरा रहता है, इसका आपको लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 119 देख लो, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी पानी में खतरनाक जीवाणु होता है उसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लगा क्वेश्चन लगाना है। गुरु जी BPSC प्रीलिम्स का कैसे पास करें प्लीज, इंडियन उस्ताद, ठीक है, सुन लिया आपका क्वेश्चन। सोनी स्ट्रोंगल का तबीयत खराब हो गया घर पर, अच्छे जल्दी ठीक हो जाए, भगवान जल्दी वो ठीक करे। चलो, पीने के पानी में शुद्ध रक्त के लिए निम्न में से किसे प्रयोग, ओबीसी से क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर में भी इसकी किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो 120, इनमें से कौन से प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर कौन सा होगा, प्राइमरी कलर से ही और भी कलर बनाए जाते हैं मिला मिलाकर, ठीक, प्राइमरी कलर जो हो जाता है ये आपको हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, यानी नीला, लाल और हरा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा, ये लगा लेना आप लोग, ठीक। देखो 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 ये बाबू के नवाब लोगों को देखो, ये सब अभी तक क्या करें सर, BPSC के मेंस के लिखना बहुत हार्ड है, मैं भी लिखना चाहता हूँ सर, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अरे BPSC PT जितना हार्ड है मेंस नहीं हार्ड होता है बाबू, BPSC PT जितना हार्ड होता है PT ही अब बहुत हार्ड कर दिया है, ठीक है ना। इसके आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मेंस देखो, मेंस बस लिखने का तरीका है, चाहिए मेंस में सिर्फ तुमको लिखना है, यानी कि अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप है PT में बिल्डअप कर रखे हो तो उसे लिख दोगे, लेकिन आपको PT जो होता है उसमें आपको हजारों की संख्या में फाइट करना है, और PT ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट भी याद होना चाहिए, ठीक। यानी अगर तुम राज्यपाल के बारे में लिखना चाहोगे, राज्यपाल के बारे में तुम बहुत चीज लिख सकते हो, लिखने के लिए बहुत चीज लिख सकते हो कि राज्यपाल जो होता है राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है, राज्यपाल को मान जो आपको नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के रूप में किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि ये संविधानिक पद है और संविधानिक पद के मर्यादा बनाए होते हो, जो राज्यपाल का काम होता है वो आपको मंत्रिपरिषद और देखोगे मंत्रिपरिषद का जो भी कार्य होता है उस पर हस्ताक्षर राज्यपाल ही करते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज है जो कि मैं अभी सही नहीं बोल रहा हूँ, आपको लिखना पड़ता है तो उसको सजाकर लिखना पड़ता है, बट आप लोग लिख लोगे, लेकिन वही चीज जब राज्यपाल के बारे में घुमाकर क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा तो वो दिक्कत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो जाता है। तो PT आराम से निकाल लोगे और मेंस तो भी आराम से निकाल लोगे। स्टेथोस्कोप ध्वनि को किस सिद्धांत पर काम करता है, स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये जो आला होता है ये ध्वनि के परिवर्तन सिद्धांत पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, ध्वनि के परिवर्तन क्या कहता है, तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से चकराकर वापस लौटने की घटना ही ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के नियम भी पूछता है, तो परिवर्तन के दो नियम होते हैं, परिवर्तन के दो नियम है, देखो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ये ध्वनि मान लो आएगा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा, ध्वनि या प्रकाश दोनों में यही चीज देखने को मिलता है, यानी कि इसके नियम में आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि ये आपको प्रकाश में भी यही सेम आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखिए एक ही समतल में होते हैं। क्वेश्चन 122 देखो, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, यानी कि किसी ठोस पदार्थ है कोई वो द्रव में नहीं बदलता है सीधे वाष्प में बदल जाता है यानी गैस में बदल जाता है, उसे उद्धोपार्तन कहा जाता है। नेफेथिलीन हो गया, कपूर हो गया, अब ठोस CO2 हो गया, ये सभी उद्धोपार्तन के आपको उदाहरण होते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, सो रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है बताओ, रेक्टिफायर वाला गाना भी आया था, ठीक, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, लगाओ क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या कह रहे हो तुम लोग सर जी, सर MTS में भी मेंस लिखना पड़ता है, आज सब बोल रहा था, बक MTS का बदल गया है सब चीज, MTS में मेंस थोड़े ना लिखना होता है, पहले हम MTS 2017 में देखो दो एग्जाम दिए थे, 2017 में मैंने दो एग्जाम दिया था, एक बिहार पुलिस का सबसे पहला एग्जाम दिया था क्योंकि मेरा एज हुआ था, और एक MTS की एग्जाम दिया था, और MTS की एग्जाम मेरा दिल्ली पड़ा था, उत्तम नगर में मैंने ठहरा था और एक दिन घुमा भी था दिल्ली में,
और उसी समय एक दो दिन घुमा था, मुझे मतलब कि अच्छा नहीं लगा दिल्ली उस समय, बाकी कचरा बहुत मतलब गंदगी था, तो ये सब मतलब बस बात खत्म करो। उस समय जो MTS देकर आए थे तो PT देने गए थे उसका, और उस समय डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था जिसमें आपको लिखना होता था, दो चीज़ लिखना होता था, तो उसमें देखोगे 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता था और मुझे मिला था 38 नंबर, यानी उस समय 38 नंबर मिला था। और पूछोगे सर ये कहाँ हुआ था, डिस्क्रिप्टिव कहाँ हुआ था, सो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था, और ये जाड़े के दिन था, मुझे आज भी याद है जाड़े के दिन था, उस समय कुंभ मेला भी लगा हुआ था, अर्धकुंभ मेला, और वो मैं नहाने भी गया था 2 बजे रात को, देखोगे उस समय नहाने भी गया था, और नहीं उस समय नहीं, उस समय नहाने नहीं गया था, वो दूसरा एग्जाम था, हाँ वो था आपको रेलवे का था जब मैं नहाने गया था, रेलवे का CBT 2 था जो इंटरमीडिएट लेवल पाया था टेक्नीशियन का, वो भी मैंने आपको दिया है, तो रेलवे का आप एग्जाम भी देते रहता हूँ और क्वालिफाई भी हूँ। तो ये चीज़ देखना है कि ये चीज़ है कि जो MTS का दिया था तो रात भर समझो कि जाड़ा में मैंने बाहर सोया था, यानी कि वो चीज़ आज भी मुझे दिन वो याद है कि सबसे पहला मेरा एग्जाम था जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हम देने गए थे, और पूरे रात देखोगे कि जाड़े के दिन था और प्लेटफॉर्म के बाहर सोए थे, उधर कुत्ता लोग सोया था, इधर हम लोग सोए थे, हम थे, मेरा भी नाम अमित तिवारी था, मेरे साथ जो लड़का गया था उसका भी नाम अमित कुमार तिवारी था, ठीक, दोनों पार्टनर थे और दोनों बाहर सोए थे, और उसका नंबर 37 आया था, मेरा नंबर 38 आया था, यानी उसमें मैं भी पास था। तो वो आसान पेपर होता है, बहुत ही आसान होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, लगाओ क्वेश्चन, मैंने पूछा आप लोगों से क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक। सर MTS के 17 मई को एग्ज़ाम है, प्लीज़ GS कैसा लेवल है? MTS का तो तुम लोग जाना देखना, करंट अफेयर बस देख लेना, तुम GS एकदम हवा में एकदम बदल दोगे, MTS का कभी भी तुमसे आराम से बनेगा, बिहार पुलिस का कभी नहीं होता, AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 124 देख लो यहाँ से, किसी परिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है? देखो इस बार MTS का कुछ परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है ना, जो MTS का परीक्षा का पैटर्न किया है कि जो मेरिट बनेगा वो आपको बनेगा किस पर, तो इंग्लिश पर और GK पर बनेगा। मैं सही हूँ तो ऐसा ही है ना, मतलब वो क्वालिफाई कर दिया है आपको मैथ और रीजनिंग का, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, पूरा डिटेल्स नहीं देखा हूँ, मुझे पता चला जब नोटिफिकेशन आया बदलाव हो रहा था तो CGL LDC का ये सब का मैं देखा, मुझे लगता है ऐसा ही किया है, ठीक। जो आपको मेरिट बन रहा है वो GK और इंग्लिश पर बन रहा है। यहाँ पर देखो, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सा श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता नहीं है, उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्पादक में पेड़ पौधे हो जाएंगे और खाने वाले में हम लोग हो जाएंगे, ठीक, और फिर आपको मर जाएंगे तो जीवाणु नष्ट कर देता है, जमीन में मिला देता है। क्वेश्चन 125 देख लो, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताना है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताना है, ये लगाना है क्वेश्चन। अरे बड़े एग्जाम दिए हैं MTS को, मेरा भी है 14 को, तो MTS कहाँ से दोगे, पहले ये देना तुम लोगों को तैयारी होगा तो, ठीक। क्वेश्चन 125 लगा, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये मैंने आपको बताया, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 126, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय जो स्वरूप है इसकी खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय जो स्वरूप है इसकी खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये मैक्सवेल द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मैक्सवेल, ठीक, ये याद रखिएगा, इसके आंसर सी हो जाएगा। देखो गति के विषय के नियम दिया गया था न्यूटन, बाबा न्यूटन ने 3 नियम दिया था, आप लोगों को पता है, प्रथम नियम के बल से परिभाषा निकलता है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक निकलता है, और तीसरा नियम बताता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक। दाब के नियम दिया गया था पास्कल द्वारा, सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, क्वेश्चन देखो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिया ही था, पलवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल ने दिया था, विद्युत प्रतिरोध का नियम दिया था ओम ने, ठीक, और विद्युत आकर्षण का नियम दिया था कूलम्ब ने, विद्युत उष्मा का प्रभाव जो है जूल ने दिया था, विद्युत धारा विद्युत का दिया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने दिया था, ठीक, विद्युत तरंग का दिया था ये हेनरी हर्ट्ज ने, विद्युत बैटरी का दिया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने, ठीक, स्थिर विद्युत का नियम दिया था थेल्स ने, विद्युत आवेश का नियम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इसे तड़ित चालक का भी आविष्कार किया था, प्रकाश के अपवर्तन के नियम स्नेल ने दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, सबसे पहले कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था, ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 127 देख लो, निम्न में से कौन से सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण के जीवाणु हैं? नाइट्रोजन फिक्सीकरण के लिए जाना जाता है, ये नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सा होता है, तो दलहनी पौधे में जड़ों में मिलता है राइजोबियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइजोबियम सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 देखो, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कौन सा है, यानी इससे कम ताप नहीं हो सकता है, परम शून्य ताप पर देखोगे सभी का गति शून्य हो जाता है, तो परम शून्य सेल्सियस ताप पर क्या होता है ये आपको बताना है, तो परम शून्य सेल्सियस देखोगे तो -273 डिग्री सेल्सियस, इसे परम शून्य ताप कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, परम शून्य ताप। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 129, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र जो प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, बहुत अच्छा
ये दिया जाता है हेलोग्राफी द्वारा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देख लो, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ना होता है, अस्थियों और पेशियों को जोड़ना होता है, ये क्या होता है? अच्छा तुम लोगों किसको किसको लग रहा है कि ये जो 200 क्वेश्चन मैं करा दूंगा सिर्फ इस वीडियो से 10 प्लस क्वेश्चन आएगा, हाथ उठाकर बताओ। तो किसको किसको लग रहा है कि ये सिर्फ इस वीडियो से 10 प्लस क्वेश्चन आएगा जो भी मैंने पढ़ा रखा है, ये बताओ। अस्थियों और पेशियों के आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? अस्थि मतलब हड्डी होता है, पेशी मसल्स होता है, और दोनों को जोड़ेगा तो उसे टेंडन बोला जाएगा। अस्थि अस्थि को जोड़ा जाएगा तो लीगामेंट बोला जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन हो जाएगा। लीगा बोला जाता है, अस्थि अस्थि को जोड़ेगा था। क्वेश्चन नंबर 131, स्वरग्राही कौन सा रुधिर वर्ग है? स्वरग्राही रुधिर वर्ग बताओ। हाँ, इसी में भलाई है कि एक बार रिवीजन ये कर लेना, क्योंकि तुम लोग भी जान रहे हो कि मैं फालतू चीज नहीं कराना पसंद करता हूं। ठीक, चलो जिसका एमबी खत्म हो गया है वो जा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही एमबी अपडेट हो जाएगा। स्वरग्राही कौन सा रुद्र वर्ग होता है? स्वरग्राही, स्वर जो गाही होता है ये रुद्र वर्ग कौन सा होता है? ये स्वरग्राही होता है, ए बी स्वरदाता, आपको ओ नेगेटिव होता है। 131 के आंसर क्या लगाओगे? बहुत अच्छा, एक बार देख लेना, फिर बाद में अफसोस नहीं करोगे तुम लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन, देखो यहां पर एक मिनट, क्वेश्चन 132 देख लो, कहां गया भाई? हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ठीक, तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये लगाइए क्वेश्चन आप लोग। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड, इसके आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो, अलग अलग जो दिया हुआ है इसे यहां से पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछता है विभिन्न शाखाओं के जनक पूछता है, तो यहां देखो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर सबसे पहले टीका की खोज किया था, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, ठीक, वनस्पति शास्त्र के जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को, और जंतु विज्ञान और आपको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, यह भी याद रखिएगा। वर्गीय के पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है वर्गीय के पिता। अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है मेंडल को, ठीक। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कहा जाता है वान मेयर को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है एजे वटलर को, पादप विज्ञान, ठीक। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। सूक्ष्म जैविकी के पिता कहा जाता है लुश पाश्चर को। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 133, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, सो ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है। ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है ये होती है अनुधर्य, अनुधर्य होता है माध्यम की जरूरत होती है, ये याद रखिएगा। 133 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा 133 का। और आपको प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि आप देख सकते हैं कि ध्वनि तरंग अनुधर्य तरंग होती है, इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है, वस्तु कंपन करता है तो होता है, लेकिन सब प्रकार के कंपन नहीं जरूरी है कि ध्वनि उत्पन्न करेगा ही करेगा, ठीक, ये याद रखिए। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के परिसर जो होता है इसे तीन भाग में हम देख सकते हैं, एक अश्राव ध्वनि जिसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम लोग अश्राव ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज, हजार नहीं, यहां पर देखो 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक, तो 20 हर्ट्ज से आपको नीचे वाली जो ध्वनि होती है इसे हम लोग अश्राव ध्वनि कहते हैं, इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। इस प्रकार की ध्वनि बहुत बड़े आकार से प्राप्त की, मतलब उत्पन्न किया जा सकता है, बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। श्राव ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं क्योंकि इसका जो होता है रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या मनुष्य सुन सकते हैं? हाँ भैया, हम लोग सुनते हैं। इसका क्वेश्चन देखो आगे, प्रासराव तरंग किसे कहा जाता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंगों को प्रासराव तरंग कहा जाता है। प्रासराव को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, साथ ही इनकी तरंगधर छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण के रूप पुंज के रूप में कहीं दूर भेजा जा सकता है। जैसे कि इनका आपको प्रयोग किया जाता है किसे? प्रसरोव का। यह संकेत भेजने के रूप में समुद्र के गहराई मापने के लिए, कीमती कपड़े या वायुयान या घड़ी के पुर्जों को साफ करने के लिए, ठीक, कल कारखानों की चिमनी की कालिख हटाने के लिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए, गठिया रोग के उपचार के, मस्तिष्क के ट्यूमर को पता लगाने के लिए यह किया जाता है, ठीक, परासरोव का। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 134, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? सोडियम धातु मैंने ऊपर ही बताया, सोडियम धातु किसमें डुबा कर रखा जाता है? तो ये मिट्टी के तेल यानी किरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 135 देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। यह सब रिपीट इसलिए करा रहा हूं कि क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, तो NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। धोने वाला का सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, धोने वाला सोडा। यह बेकिंग सोडा बोल रहा है यानी खाने वाला सोडा, भी हो जाएगा इसके आंसर। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यह ठीक, इसे याद रखिएगा। खाने वाला सोडियम बोला जाता है या बेकिंग सोडा बोला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 136, प्राकृतिक में सबसे मात्रा में जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक, ओबीसी सी बात है, सबसे अधिक जो पाया जाता है कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, ये आपको प्राकृतिक में ये लगाना है। क्वेश्चन 136 लगाइए। क्या दिक्कत है, थक गए भैया? थक तो हम भी गए हैं लेकिन भूख लगा है जोर से चौचक, लेकिन क्या करोगे, 200 जब तक निपटाते नहीं हम, नहीं जो बोलते हैं वो करवाते हैं, उसके लिए कहीं हो जाए, सेलुलोज हो जाएगा, इसे आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक, ये याद रखना। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है, यह एक प्रोटीन है, सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक, वनस्पति के कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है ये, यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है वनस्पति का, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, सो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है, तो डेसिबल इकाई, डेसिबल किसमें मापा जाता है, ध्वनि की तीव्रता, ठीक, ये देखो ना, ये सब इतना हम लोग मतलब कि शासन चलाता है ना कि लग रहा है हम ही स्टूडेंट है, ये सब पढ़ा रहा है, ऑल मैराथन लीजिए सर जी, ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता, ऑर्डर देता है कि रिक्वेस्ट करता है, समझ में ना आता है ये सब का, ठीक, मतलब जल्दी मैराथन लाइए। क्वेश्चन 138 देखिए, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा तत्व जो है सूरज में सबसे अधिक पाया जाता है, और बेसिस से जानते हो हाइड्रोजन है, 71% पाया जाता है, ठीक, लगा लेना। क्वेश्चन देखो 139 देख लो, जल में तैरने का न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है, शुद्धैल में जल में जब तैरोगे तो न्यूटन के किस नियम से संबंधित है ये आपको बताना है, न्यूटन के किस नियम से संबंधित है, तो न्यूटन का थर्ड नियम से संबंधित है, या बंदूक भी चलाओगे तो तृतीय नियम से है, जो भी आपको ऊपर की तरफ उड़ते हैं यानी कि रॉकेट भी उड़ते हैं तो भी तृतीय नियम ही फॉलो करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय नियम, थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला। क्वेश्चन नंबर 140, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, दलदली सड़कें या आपको बर्फ वाले सड़कें, बर्फ वाले सड़कें पर भी हम लोग फिसल सकते हैं, ये किसके कारण, कितना सड़कें हो जाती है, तेलीय अवस्था वाला सड़क हो जाएगी, तब पर भी, क्योंकि घर्षण क्या होगा, कम होगा, और घर्षण कम होगा तो बबुआ फिसलोगे ही, यानी कि घर्षण के कमी के कारण ही तो तुम लोग रोड पर चलते हो, यानी घर्षण के कारण ही तुम लोग रोड को चलते हो, जब घर्षण ही कम हो जाएगा तो फिसल नहीं जाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 141, नोबल पुरस्कार अल्फर्ड नोबल के नाम से शुरू हुआ था, खोज किया था अल्फर्ड नोबल ने, देखिएगा क्या खोज किया था, तो डायनामाइट की खोज किया था ना, डायनामाइट को खोज किया था, 1901 से नोबल पुरस्कार देने स्टार्ट किया गया है, सो ये हो जाएगा डायनामाइट ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 142, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, आ गया क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, सो न्यूट्रॉन की खोज बताओ, इलेक्ट्रॉन का तो किसने किया था, जेजे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का बताओ चैडविक ने किया था, यानी कि चार्ल्स चैडविक, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे लगाओ देखते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जेजे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, मिसान की खोज जीक्वा ने किया था, पॉजिट्रॉन की खोज कॉल एडर्सन ने किया था, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, परमाणु सिद्धांत जोल डाल्टन ने दिया था, आगे देखो बोर सिद्धांत नील्स बोर ने दिया था, परमाणु के खोज जो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो आपको पीरियोडिक टेबल बताया थे वो मोसले ने बताया था, जिसे आधुनिक पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 143, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भारी जल को D2O बोला जाता है और इसे नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, D2O को भारी जल बोला जाता है और ये आपको किसके नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका नियंत्रक के रूप में किया जाता है, ये लगा लेना। क्वेश्चन कौन सा है, 143 का आंसर डी लगाओ, 143 भाई बहुत अच्छा, नियंत्रक रूप में, यहां पर देख लो, भारी जल का मुख्य उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में होने वाले नाभिकीय विखंडन क्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन को, ये देखो न्यूट्रॉन जो उत्पन्न होता है इसको क्या करने में, अवशोषित करने के लिए मंदक रूप में होता है, जिससे किसी भी नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रण, नाभिकीय ऊर्जा में नियंत्रित उत्पादन और शांतिपूर्ण उपयोग किया जा सकता है, ये याद रखिएगा, नियंत्रित उत्पादन किया जाता है, ठीक, क्या दिक्कत है, अरे क्वेश्चन था कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक मिनट तुम लोग लगाए हो जो यहां पर, एक मिनट यहां पर मंदक लगा लेना, आंसर देखो मंदक होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मंदक ना होता है भाई, नियंत्रक थोड़े ना होता है, मंदक हो जाएगा यहां पर, ये मंदक के लिए किया जाता है, ठीक, ये याद रखना, यहां पर मंदक कर लो, मंदक बी हो जाएगा यहां पर, सही लगा रहे थे कुछ अभ्यार्थी, बी लगा रहे थे, सही लगा रहे थे, हाँ मंदक, बहुत अच्छा, ये अब मंदक कर लेना, यहां पर आंसर मंदक हो जाएगा,
नियंत्रक क्षण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बोरोन का, कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 144 देखो, तीन मूल रंग कौन सा है, प्राइमरी कलर, फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये तीन प्राइमरी कलर होता है, हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, और इसे ही आप देखोगे अगर समान अनुपात में मिला दें तो उजला कलर निकल कर आ जाता है। 144 के आंसर ए हो जाएगा, लाल हरा नीला प्राथमिक रंग बोला जाता है। क्वेश्चन 145, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो ये देखोगे अस्थायी जो चुंबक बनाए जाते हैं ये आपको नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके? नर्म लोहे का। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नर्म लोहे के शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसकी चुंबकत्व समाप्त हो सकती है, इसलिए अस्थायी तौर पर हम लोग नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते होते हैं, क्योंकि विद्युत घंटी का इस्तेमाल देखोगे, विद्युत घंटी हुआ, ट्रांसफार्मर का क्रोड हुआ, डायनोमो में आदि आप देखोगे नर्म लोहे का ही उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखो 146, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी कार्य में बदला जा सके, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने पहले सिद्ध किया था। ठीक, ये बताया था कि उष्मा है एक प्रकार का ऊर्जा है, बात सही है, जिसे कार में बदला जा सकता है, क्योंकि कार भी एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में ही देखा जाता है, तो कार में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, तो ये हो जाएगा, बताओ, लगाओ क्वेश्चन, बहुत अच्छा है 146, बहुत अच्छा। ठीक, ये रमफोर्ड हो जाएंगे, रमफोर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रमफोर्ड। आगे देखो, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच में तापमान अंतर के कारण ही एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित होती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सके, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था। और डेवी क्या किए थे? तो डेवी किए थे दो बर्फ के टुकड़े को सटा दिए थे, मतलब आपस में, ठीक, प्रेशर डालकर। क्वेश्चन 147 देखो, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया था? तो प्रकाश के जो तरंग, देखो फोटॉन वाला सिद्धांत अलग दिया गया है, ये तरंग भी सिद्धांत दिया है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ये जो तरंग वाला सिद्धांत दिया गया था हाइगेंस ने दिया था। इसका याद रखना, ए हो जाएगा इसके आंसर। आगे देखो, न्यूटन के ही समानकालीन जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था, यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था। कौन? तो हाइगेंस दिए थे, हाइगेंस। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 148, जो विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जो विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, लगाना है आप लोगों को, बहुत अच्छा। सर आपको बुरा ना लगे तो गुरुजी मेरा रिक्वेस्ट भी है, एक्सेप्ट कीजिए, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, पीडीएफ निकलवाना है प्लीज़, आपका ओल्ड स्टूडेंट यार, तेरा 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 सुपर स्टार। मिल्क में रेनिन प्रोटीन होता है और मिल्क केसिन का कारण वाइट होता है, अच्छे, बात सही है। आगे देखो, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बताओ, जीव विज्ञान के जनक या आपको जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, वर्गीकी के पिता केरोलस नीलियस है, अनुवंशिकता के पिता जो है जे जी मेंडल हो जाएंगे, ठीक, और सूक्ष्मजीवी के पिता लुईस पाश्चर हो जाएंगे, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच हो जाएगा, वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस हो जाएगा, इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले टेंसले ने दिया था। क्वेश्चन 149 देखो, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 लगाओ, हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 लगाओ, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 149, हाइड्रोफाइटस जो होते हैं ये जलीय पौधे होते हैं, ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? सो टीका रोग मूंगफली से संबंधित है, पहले ही मैंने आपको कराया, टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन 151 लगाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो सब लोग, छुट्टी है दो सेकंड के लिए, ये क्वेश्चन लगाते समय आपको थोड़ा पानी पीने के लिए छुट्टी दी है, सबको पानी वानी पी सकता है, फिर से क्वेश्चन लगा सकता है। सही है, चलो लगाओ, बहुत अच्छा। चलो, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सो क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, 8, 7, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 153, चाकू से काटे जा सकने वाले धातु कौन सी है? जो चाकू से भी काटे जा सकते हैं, इसका नाम क्या है? किरोसिन के तेल में रखा जाता है, इसका नाम है सोडियम। सोडियम को चाकू से भी काटे जा सकने वाली है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 154,
इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर का पार्ट है, इनपुट को आउटपुट में आपको रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, क्वेश्चन 154 लगाओ, इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है ये आपको बताना है। तो इनपुट को आउटपुट में सीपीयू द्वारा रूपांतरित किया जाता है, सीपीयू का नाम आप लोग जानते हैं सीपीयू। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 155, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। सौर प्रणाली में देखोगे सोलर सिस्टम में सूरज जो है मुख होता है, चारों तरफ उसका ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, बीच में सूरज होता है। सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था, कोपरनिकस का नाम आप लोग जानते हैं। ये बताओ 155 के आंसर लगाओ, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा, केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन 156, हैजा के टीके की खोज किसने किया था। लगाओ क्वेश्चन नंबर 156, हैजा के टीके की खोज जो किया गया था यह किया गया था रॉबर्ट कोच द्वारा। ए क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन 157, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है यह भी बता दो सेल्सियस में, सेल्सियस में लगाओ क्वेश्चन, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में बताना है भाई, का ये सब बोल रहे हैं उसमें। एक बार कान खोल कर सुन लो अंकित और सन्या, मेरे बीच में हाँ का तो बोला है अंकित, ये बहुत अच्छा बोला है, हमारे बीच में छेप मत करो वरना अच्छा नहीं होगा, तुम दोनों को क्या समझते हो। बहुत अच्छा तैयार, तेरा सुपर स्टार, बहुत अच्छा ये अंकित है, कैन कहाँ से सन्या तिवारी आ चुकी है, इस दोनों को जंगल में भगा देना चाहिए मार कर यहाँ से, ठीक ना। ये सब खाली फालतू बात बोलते रहता है, चिरकुट आदमी। समान शरीर का समान तापमान जो होता है ये देखोगे ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा 36.9 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। 157 के आंसर क्या लगाओगे, ये बी लगा लोगे बी। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 158, खैरा रोग किस फसल में होता है, जो खैरा रोग होता है ये किस फसल में होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 158, खैरा जो रोग होता है ये किसके लिए होता है बताइए, ठीक। तो खैरा जो रोग होता है ये किस फसल में होता है, लगाओ क्वेश्चन, ये होता है धान में होता है खैरा रोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 159 देख लो, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये दो तीन वो जो चिरकुट है ना ये दिन भर खुड़कुड़ कमेंट बॉक्स में लिखते रहता है, ये सबको पचवे ना करेगा, खाने ना पचेगा, कुछ ना लिखेगा, तो आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये रेटिना पर बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा रेटिना पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। क्वेश्चन 160 देखो, एलपीजी जो होती है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड, आपको मतलब लिक्विफाइड होता है, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जो हम लोग के घरों में होता है, और इसमें कौन सी गंधीय पदार्थ भरी जाती है, तो ये इसमें गंधीय पदार्थ जो भरी जाती है मिथाइल मार्केप्टन का उपयोग किया जाता है, कि आपको अगर रिसाव होता है गैस का तो आपको पता चले मिथाइल मार्केप्टन हो जाएगा, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 161, कलिंग पुरस्कार किसके लिए जाता है, कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। सो कलिंग पुरस्कार आपको विज्ञान के लोकप्रिय बनाने में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 162, वेलर द्वीप का नाम, वेलर जो द्वीप है वेलर द्वीप, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सो वेलर द्वीप का नाम बदलकर रख दिया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, आपको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, इसे वेलर द्वीप का बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 163, इनमें से कौन से प्राथमिक रंग है, जो प्राथमिक रंग देखो क्वेश्चन ये बार बार घुमा कर दिया है, प्राथमिक रंग जो होता है ये हरा नीला और लाल होता है, नीला हरा लाल हो जाएगा, ठीक, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, विद्युत अचुंबकीय बताओ, विद्युत चुंबकीय तो आज सुबह मैंने क्वेश्चन भी कराया है, तो विद्युत अचुंबकीय में तांबा हो जाएगा, तांबा विद्युत अचुंबकीय हो जाएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक, कोबाल्ट निकल ये सब चुंबकीय में अंतर आते हैं, ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 165, शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है, शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है बताओ, शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग जो हो जाएगा ये तुम्हारा प्लीहा तिल्ली जिसे बोला जाता है स्प्लीन, ये प्लीस जो होता है लसिका अंग शरीर का सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 166, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है ये कहां भंडारित होता है, तो ये होता है तुम्हारा यकृत में यानी लिवर में, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यकृत में होता है, और आप जानते हैं यकृत में भविष्य के ईंधन के रूप में ग्लाइकोजन भी भंडारित होता है। क्वेश्चन देखो 167, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, जो बचवा होता है पैदा उसका लिंग निर्धारण बचवा है कि बेटी है ये किसके कारण होता है, तो ये पिता के क्रोमोसोम से होता है, और आपको देखोगे कि एक्स क्रोमोसोम तो सब में सेम पाया जाता है, आपको 23 के 23 जोड़ा देखोगे कि नहीं माफ करना यहाँ पर 23 जोड़ा जो हो ये एक्स एक्स तो महिला में पाया जाता है यानी आपको लड़की में पाया जाएगा, ठीक, तो और अब 22 जोड़ा एक्स एक्स लड़का में पाया जाएगा, और 23वां जोड़ा जो होता है ये एक्स वाई हो जाता है लड़कों में, तो यही जो वाई वाला होता है यही सिद्ध करता है कि ये लड़का है या लड़की है, अगर लड़का होगा तो ये वाई होगा और लड़की होगी तो एक्स एक्स होगा, ठीक, तो इसके आंसर लगा लेना। बच्चों का लिंग किसके द्वारा, पिता के।
क्वेश्चन नंबर 168 देखो, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो भौतिक के क्षेत्र में गुरुजी आप भी ना यार, तेरा सुपरस्टार बात 10 बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, आप उस समय क्या करते हैं? ब्लॉक कीजिए हमको, हम क्या बोले हैं जो आप बोल रहे हैं? गुरुजी अपने घर वालों को पे करना, मेरे पे नहीं। ये सुनिए, ये सब चिरकुट आदमी है, ये सबको का किया जाए जी? हमको समझ में आता है, ये सबको का किया जाए बताओ? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने, मैंने क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले विलियम कॉनराड रोटेजर को मिला था, ठीक, जो एक्स किरण की खोज किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 1901 में मिला था। एक देखो 169 देखो, प्रथम एंटोबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटोबायोटिक जो है इसकी खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। प्रथम एंटोबायोटिक की खोज किसने किया था, लगाइए क्वेश्चन 169 लगाइए। और अब अगर तुम लोग अब कोई भी इसमें से एक भी वर्ड बोला तो समझ लो है, चुपचाप रहो, अब बकवास तुम लोग का दांत चिपोर चिपोर कर, ठीक, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? इतना रात को तुम लोग हल्ला कर रखे हो, साय पड़ोस में सुनाई दे रहा है। जो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ भागे भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 170 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? जैव निम्नीकरणीय इसमें से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा जैव निम्नीकरणीय होगा, ये लगाओ क्वेश्चन 170 लगाओ। बहुत अच्छा, इसमें से जो रबर हो जाएगा भाई मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। बाकी पारा हुआ, प्लास्टिक हुआ, पोलोथीन हुआ, ये थोड़े ना जल्दी विघटित होता है, ठीक, तो ये रबर हो सकता है। इसका आंसर भी हो जाएगा नेचुरल रबर की बात कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखो आगे 171 देखो, मोबाइल फोन के बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो मोबाइल फोन जो होता है इसमें देखोगे लिथियम, कोई भी आपको देखोगे बैटरी के रूप में ज्यादातर लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी मोबाइल फोन के बैटरी में निम्नलिखित में से कौन से मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? लिथियम के। लिथियम का रिजर्व देखोगे जम्मू कश्मीर में भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 172 देखो, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का जो शत्रु तत्व है, तांबा का ये कौन है? तांबा को शत्रु तत्व होता है उस गंधक, जिसे हम लोग सल्फर बोलते हैं, ठीक, गंधक। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा होता है? गंधक होता है, जिसे हम लोग सल्फर बोलते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 177 देखो, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? सोडा वाटर मतलब कि अगर तुम पेप्सी का बोतल खोलते हो तो सोडा वाटर जो है ये इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होता है, CO2 होता है, ठीक। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? CO2 निकलता है बाहर की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आपको देखो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोला जाता है। क्वेश्चन 174 देखो, समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रकार से अलग किया जाता है? समुद्री जल से देखोगे आपको अलग किया जाता है, शुद्ध जल बनाया जाता है, ये कौन सा विधि कहलाता है? देख लो सभी ऑप्शन पढ़ लो पहले, क्वेश्चन 174 लगाओ, सभी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लो, 174 लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है आपको आसवन विधि। आसवन, वाष्पन द्वारा तो नमक प्राप्त किया जाता है वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शुद्ध जल प्राप्त करने की बात कर रहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 175 देखो, निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में से किसको कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सो कार के बैटरी में देखोगे ये आपको तेजाब का, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब का। क्वेश्चन 176 देखो, क्यूरी किसकी इकाई है? सो क्यूरी देखोगे ये इकाई है और एसआई इकाई है, ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की खोज बेकुरल ने किया था, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, और क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव पदार्थ की, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछता है एसआई इकाई है। क्वेश्चन नंबर 177 देखो, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है बताना है। सो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन 178 देखो, कार का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक बताना है कार का। सो कार जो होता है वर्क, इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ये बताए क्या होता है बताओ, लगाओ आंसर, लगाओ इसका, लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178 के आंसर लगाओ। तो तुम लोग देखें, सभी लोग क्वेश्चन का 178 का आंसर लगाएंगे, जितने भी लोग हैं अभी क्वेश्चन नंबर 178 का आंसर लगाएंगे। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग, मैं देख रहा हूँ ऑप्शन आप लोगों का, मैं कमेंट देख रहा हूँ, सभी लोग लगाएंगे। ये कहाँ भाग गया अंकित हाजीपुर और ये यार तेरा सुपरस्टार और ये सन्या तिवारी, अभी कहाँ सब लोग चले गए हैं? क्वेश्चन के आंसर लगाने के लिए बोल रहे थे तुम सब, लड़ाई करने के लिए बड़ा झोटा बड़ा बड़ा के आ जाते हो लड़ाई करने के लिए, आए चुपचाप क्वेश्चन के आंसर लगाना चाहिए, अभी तो भाग गए तुम लोग। सन्या तिवारी दिखाई दी, डी लगा रही है, और कहाँ गया सब ये दोनों तीनों जो अपने में लड़ते रहता है? यार तेरा सुपरस्टार कहाँ गया? हैं, डी लगा रहा है, अच्छे।
ये कहां गया अंकित, कहां गया अंकित? नहीं बोलेगा अभी है। अरे तू सबके, तू सब मरैला भी ना खाली बिगड़ल है, ठीक ना, कोई मारे वाला ना है। ऑफलाइन क्लास रहता ना, उठा के 4 बजे तक देता ना, सब समझ में आ जाता है। देखो अरे कोनों को तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अरे क्वेश्चन ऊपर कराया ना तुम लोगों को, कोनों को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, बुड़बक। इतना आसान आंसर था। अरे कार का सीजीएस पूछ रहा है भाई, सीजीएस मात्रक जो होता है कार का होता है अर्ग, अर्ग होता है अर्ग, क्योंकि आप देखोगे कि एक आपको देखो जूल में कितना होता है, 10^7 अर्ग होता है। ये मैंने ऊपर ही कराया आप लोगों को क्वेश्चन, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एसआई मात्रक अगर पूछे, एसआई यूनिट पूछे, तब आप लोग जूल लगाते, ठीक। तो इसका आप लोग यही तुम लोग तैयारी कर रहे हो, उठा के फेंक देना चाहिए तुम लोगों को गढ़ा में, ठीक ना। यहाँ पर ये डाइन नहीं होगा, डाइन किसका होता है, डाइन जो होता है ये किसका होता है, बल का होता है, फोर्स का होता है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है, क्योंकि आप देखोगे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। सीजीएस मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 179 देखो, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। गुरु जी सबको युगांडा के जंगल में छोड़ कर आना चाहिए स्टडी मोड का दिन भाई पंकज, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब ये सबको समझ में आया कि अरे सर जी पूछ कर रहे थे है? प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है दूरी का, दूरी का होता है, मैंने आपको बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, लगाना है ल्यूमेन किसका मात्रक है, सो ल्यूमेन जो मात्रक है ये किसका है बताओ। क्वेश्चन 180 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 180 लगाओ। ल्यूमेन जो मात्रक होता है ये क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, ये बताओ इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं इसमें भी तुम लोग क्या लगाते हो, ठीक। लगाओ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसमें लगाओ क्या लगाओगे, एक दूसरे का कोई चेटिंग नहीं करेगा। 180 इसमें कौन सा सही होगा, लगाओ क्वेश्चन, देखो देखो अब यह आकर डी लगा रहा है, आप ध्यान नहीं दिए मेरे कमेंट पर, कल्पना रानी क्या बात है बताइए, सही लगाई थी, हो सकता है मैंने ही ध्यान दिया, ऐसे एग्जाम में नहीं होगा, योगेंद्र पासवान बोला, सही बात है एग्जाम में नहीं होगा, बट आपको दे सकता है ना इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग लगा दोगे तो वो चीज़ तो ध्यान में आपको देखना होता है ना, जो चीज़ याद होता है कम से कम वो चीज़ याद होना चाहिए ना, बहुत अच्छा, ठीक। मैनोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है, कार्बोरेटर में आंतरिक दहन होता है, कार्डियोग्राफ में हृदय की गति होता है, आपको देखोगे ये सिस्मोमीटर जो होता है ये पृष्ठीय तल की वक्रता नहीं मापता है, सिस्मोग्राफ सिस्मोमीटर जो होता है ये आपको भूकंप होता है मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 181 देखो, सापेक्ष आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है किससे मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता जो होती है ये किससे मापी जाती है ये आपको बताना है। सापेक्ष आर्द्रता के बारे में पूछ रहा है, सापेक्ष आर्द्रता जो मापी जाती है ये हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है, ठीक, हाइग्रोमीटर द्वारा, ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 182 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, इसमें से कौन सा पदार्थ जो होता है ये ईंधन का काम करता है, लगाना है, लगाओ क्वेश्चन, लगाओ क्वेश्चन, गुरु जी आप चिंता बाजी करते हैं, हैं? आप चिंता बड़ी करते हैं तो काहे नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे ईंधन काम करता है बताओ, सबसे अधिक ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ही कार्बोहाइड्रेट का। वैसे देखो कि सबसे अधिक जो मिलता है ऊर्जा वो आपको किससे मिलता है, तो वसा से मिलता है, बट सबसे अधिक जो हमारा ईंधन काम करता है ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारा शरीर, ये इसके आंसर हो जाएगा 183। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है बताओ, कैप्सूल का जो आवरण होता है, जो कैप्सूल तुम लोग खाते हो, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, ये होता है आपको स्टार्च का बना हुआ, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 184, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है ये बताना है। क्वेश्चन का नंबर डबल हो गया है क्या सर जी? नहीं नहीं, अभी 184 ही चल रहा है। यहाँ पर देखो, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है ये बताओ,
जो पीला होता है ये किसके कारण होता है, ये होता है आपको कैरोटीन के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 185, मलेरिया मादा एनफ्लिसिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, कि मलेरिया जो फैलता है ये मादा एनाफिलिस द्वारा फैलता है, तो मलेरिया एनाफिलिस द्वारा फैलता है, मादा एनफिलिस, और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था ये आपको बताना है। 185 लगाओ, इसकी खोज जो किया गया था ये किया गया था रोनन लॉस द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोनन लॉस। आगे दो, क्वेश्चन नंबर 186, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, लगाओ क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये होता है साइट्रिक फलों में पाया जाता है, इसलिए इसको एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्या लगा रहे हो तुम लोग, इसका लगाओ क्वेश्चन नंबर 186 के आंसर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 186। अच्छे, अरुण पासवान ए लगा रहा है, ठीक ठीक ठीक, हजार बार तुम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया। पूजा पासवान बी लगा रही है, देखो एनडीआर कुणाल बी लगाए हैं, कौन एंग्री अनु बी लगा रही है, भरथरिया चाड़ कर आके आए क्वेश्चन गलती लगा दिए हैं, भर थरिया आई है खाकर अभी एंग्री अनु मारकर भरभर थरिया दू थरिया और आते आते क्वेश्चन गलती लगा दिए, तुरंत तो उठाकर फेंक देना चाहिए, ठीक ना। ज़्यादा खाने से भी दिमाग कम काम करता है, अभी मैंने बताया है कि जो होता है ये सिट्रिक फलों में होता है, लेकिन इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से एस्कॉर्बी रोग हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल होगा विटामिन सी के नाम, और सबसे अधिक अम्ला मिलता है, सिट्रिक फल माने खट्टे फल होते हैं उसमें ये मिलता है। 186 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, विटामिन ए की कमी के कारण क्या है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा ये बताओ, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रतौंधी हो सकता है, ठीक, इससे आंख प्रभावित होता है, विटामिन ए का रेटिनोल नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188 देखो, शक्ति का मात्रक क्या है, लगाओ क्वेश्चन। अब देखो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब लगाओ क्वेश्चन, 188 लगाओ क्वेश्चन, बहुत, चलो लगाओ क्वेश्चन नंबर, लगाओ 188 लगाओ क्वेश्चन, सभी लोग लगाएगा ईमानदारी पूर्वक। अच्छे, ए लगा रही है स्नेहा तिवारी, बिट्टू कुमार वाट लिख रहे हैं। अच्छा, सबका गलती करवा दें एक बार में, सबका गलती करवा दें एक बार में, छोड़ो तुम लोग रोने लगोगे, गलती नहीं करवाएंगे, रोने लगते हो। वाट हो जाता है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189 देखो, प्लेग किसके कारण होने वाला रोग है, ये लगाओ। प्लेग को पहले ब्लैक डेथ भी बोला जाता था, काला मौत बोला जाता था, प्लेग चूहा जो है इसको फैलाता था, ठीक, चूहा वाहक भी होते थे इसके। और ये बताइए प्लेग किसके कारण होता है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 189। अच्छा चलो, यही क्वेश्चन में तुम लोगों का गलती करवाता हूँ, ठीक, ये क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन लगाओ, और एक दूसरे का जो भी चीटिंग करेगा ना, समझो कि वो काम खत्म हो जाएगा, वो किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। ये प्लेग किसके कारण होता था, प्लेग बीमारी फैला था ना, आप लोग देखोगे कि प्लेग बीमारी फैल गया था गुजरात वाले क्षेत्र में, तो देखोगे मिल मजदूर वाले आंदोलन किए थे, तो बोनस नहीं दिया गया था, तो आंदोलन किए थे अहमदाबाद में मजदूर वाला आंदोलन, ठीक। अजय कुमार क्वेश्चन लगाइए, अरे हाँ, ये कौन लगा रहा है, ए कौन से लगा रहा है, कौन कौन ए लगा रहा है, ए कौन से लगा रहा है, कौन लगाया, फिर से लगाओ, ये कल्पना रानी है, ये एक कौन है, पवन कुमार है, एक कौन है, शेरेश्वर दीपू मिश्रा है, ठीक, ये कहाँ गया सब, अब कहाँ गया, ए वाला एक विक्की यादव, एक स्नेहा तिवारी भी ए लगाई है, ठीक, और कौन है, अंजू कुमारी लगाई है एक, और फिर ये पर कौन कौन है, स्वरूप प्रसाद लगाए हैं, इन लोगों को ये देखो, वायरस आपकी कसम, एंग्री नहीं, अरे तोरा तो उठा कर हम फेंक दे भैया, ये हमारी कसम खा रही है, हमको ही निपटाने में लग रही है। जो लोग भी ए लगाए हैं उनका एकदम सही है, ये जीवाणु जनित बीमारी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वायरस लगाकर हमारे को निपटाना चाहती है, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लेग जो होता है जीवाणु जनित बीमारी होता है, ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब यहाँ पर देखो, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएंगे, सो टेटनस जो होते हैं, धनुष कंटार रोग जिसे बोला जाता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग जिसे टीबी बोला जाता है, टाइफाइड बिडाल टेस्ट किया जाता है, तपेदिक टीबी, डिप्थीरिया, गुनेरिया ये सब होता है, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, प्रोटोजोवा से भी कुछ रोग होते हैं, इसे देख लो, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, फफूंदी वाला दांत खाद से होता है, फफूंदी वाला रोग जो होता है खाद, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखो 190 देख लो, समान मानो नेत्र के दूर की बिंदु होगी, ये लगाओ क्वेश्चन, समान मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा, बताओ समान मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कौन सा होगा, लगा क्वेश्चन नंबर 190 लगाओ। अब ये देखते हैं तुम लोग कौन सा गलत करता है,
ये सभी लोग सही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने ये जो है इस चैनल के जो भी सदस्य हैं। एंग्री अनु सबसे पहले जीत हासिल कर ली है 25 सेंटीमीटर लगाकर, और एंग्री अनु देखो बहुत अच्छा एंग्री अनु, अरे तो 25 सेंटीमीटर सी में दिया है, सी लगा रहे हैं सभी, बहुत अच्छा। देखो तुम लोग रिविजन करते रहो, तुम लोग रिविजन करोगे तभी सही लगाओगे, रिविजन नहीं करोगे तो नहीं सही लगाओगे, ठीक। अगर रिविजन नहीं करोगे तो नहीं सही लगाओगे, ठीक, कसम से बोल रहे हैं। तुम्हारे एंग्री अनु सामने रहती ना तुम्हारा कपार हम फोड़ देते मारकर, ठीक ना चिरकुट आदमी। पहले क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ना है और ये लगा देना है बस। समान मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है, दूर बिंदु पूछ रहा है, दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत ये याद रखना है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जा तुम लोग का तुम लोग को विश्वास करें, एग्जाम हॉल में जाओगे लगाकर, सर जी हम तो सही लगा के आई रही, हमारा ये रिजल्ट भी ना आई तो कहे ना आई, ये देख लो कहे ना आई, लेकर चलते ना आई है, ये कहा पूछा था, कहा लगाओ तला, न्यूनतम पूछी था ना 25 सेंटर लगे वह कहा तुम्हारा बोल जाओ है। समान मानव नेत्र के जो होता है दूर बिंदु होता है, ये अनंत होता है बुड़बक। 190 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 191 लगाओ। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे, अब बताओ प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे आपको बताना है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका के प्रकार है, ये सभी क्वेश्चन में कराया हुआ हूं, ये बताओ, ये भी लगाओ। इस पर भी देख रहे तुम लोग को बुद्धि कितना काम कर रहा है, ठीक, ये लगाओ क्वेश्चन लगाओ। मेरा कमेंट जा रहा है शंकर कुमार कुमार, एकदम आ रहा है। सर और लड़की को आप नेम क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये देखो काहे नहीं, हम सबका पढ़ते हैं, सबका पढ़ते हैं। 191 देखो, 191 191 के आंसर लगाओ, हाँ 191 के आंसर लगाओ। देखो जिसका कोई अगर तुम लोग फंस जाते हो भैया, यार तेरा सुपर स्टार सी लगा रहा है, ठीक, इसको हम बताते हैं। दीपू मिश्रा जी सी लगा रहे हैं, देखो दीपू मिश्रा किसी का आप मत करो, देखो किसी का आप चोरी मत करो, सुनो रनर भी सी लगा रहे हैं, किसी का आप कॉपी करोगे ना तो क्या होगा कि आप फंस जाओगे हैं। लिम्फोसाइट लगा रही है एंग्री अनु, अच्छा, और फिर सी लगा रहे हैं अंकित हाजीपुर भी, अच्छे, एक दूसरे की कॉपी करने शुरू हो गया। आशीष भारती लगा रही है ए, हमारे सबसे प्रिय और प्रशंसनीय मतलब प्रशंसा करने योग, कौन सी भारती थी, कहाँ चली गई, हाँ आशीष भारती जी का अला स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, और ये सबसे गलत आंसर लगा रही है क्योंकि ये रिवीजन नहीं कर रही है, ठीक, जो भी सी लगा रहा है क्योंकि व्हाइट स्लिट व्हाइट जो होता है WBC, ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है, और इसके आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट हो जाएगा। लिम्फोसाइट भी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल का ही एक पार्ट होता है, और ये शरीर में आपको प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 192 देखो, एकमात्र अम्ल जो सोने को घोल सकता है, एकमात्र अम्ल बताना है जो सोने को घोल सकता है। मैं आप लोगों से ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग गलती नहीं लगाते हो, मैं ये चीज को देखना रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो। सर मैं कमेंट नहीं पढ़ता सर, आंसर देता हूं सर, ठीक है योगेंद्र पासवान, बहुत अच्छा आंसर लिखते चलो, मैं बस ये देख रहा हूं लास्ट चल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक, ये चीज कर क्या रहे हो, हाँ ये चीज बताओ। क्वेश्चन 192 लगाओ, 192 लगाओ, देखो ये सब आसान क्वेश्चन है, देखो भाई लोग ये सब सभी आसान क्वेश्चन है, भाई एंड बहनों बड़े छोटे सभी लोग को मैं ये सूचित कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन इसलिए मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि ये चीज पता चलेगा, रिवीजन क्वेश्चन तो आसान लगता है, जैसे ही मैं पूछता हूँ आप लोग गलत करने शुरू कर दो, हम तो सर इसमें 90 क्वेश्चन सही कर देंगे, इतना परसेंट क्वेश्चन कर देंगे, लगाओ फिर क्वेश्चन। अगर मैं ध्यान अगर देखो यही दिक्कत होता है एग्जाम हॉल में, जिससे मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, यही प्रेशर बनता है। बहुत अच्छा सब लोग सही लगा रहा है, अम्लराज हो जाएगा, ठीक, अम्लराज। अम्लराज में क्या होते हैं, 3 भाग HCl होता है, HCl, और 1 भाग HNO3 होता है, इसको आप देखोगे 1 भाग HNO3 होता है, ये होता है अम्लराज, एक्वारेजिया, इसमें 16 घुलाया जा सकता है, इसके आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, धोनी के प्रबलता किस पर निर्भर करती है, लगाओ क्वेश्चन भैया मजा आ जाएगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक, ये लगाओ, धोनी की जो प्रबलता है ये किस पर निर्भर करती है, धोनी की जो प्रबलता है ये किस पर निर्भर करेगी, लगाओ क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 193, आशीष भारती लगा रही हैं बी, सर क्लास जल्दी खत्म कीजिए, बस अब लास्ट ही चल रहा है। बी लगाने वाले सभी भाई एंड बहनों के लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं क्योंकि आपका मन है, जो लोग भी बी लगा रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक बार ताली बजाइए, तो हाँ यार तेरा सुपर स्टार भी बी लगाए, थोड़ा एक बार क्लैपिंग कीजिए आप लोग सब लोग बी वाले के लिए, क्योंकि बी वाले इतने अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जाकर उधर चुल्लू भर पानी के डूब मरना चाहिए इन लोगों को, हैं बी लगा लगा कर ये सीने चौड़े कर रहे हैं, का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन सर जी करा रहे हैं,
रिज्जा तो हम लोग कहीं कहल जा सकते हैं, आयाम पर करता है, ध्वनि के प्रबलता बोल रहा है। ध्वनि के प्रबलता मतलब कहता है कि ध्वनि लाउडनेस की बात कर रहा है, लाउडनेस मतलब कि तुम कितना तेज बोल सकते हो, यह नहीं कि मच्छर की तरह भिनभिनाना जो आवृत्ति पर डिपेंड करेगा, ठीक, ये आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर नियम करता है, आयाम पर। 193 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 194 लगाओ, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, यानी भाप से जल्दी हाथ जड़ जाएगा, उबलते जल से कम जलेगा, ये आपको बताना है, ठीक। ये लगाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओ, हाँ अब क्वेश्चन नंबर ये लगाओ, क्वेश्चन 194 लगाओ, 194 लगाओ। आज तो तुम लोग लास्ट में तो हाँ एकदम टाइट ही कर देते हैं ना सा। और ये सब कहाँ और सब भाग गया जी, कि सर यूट्यूब पर मत अपलोड कीजिए सर, हम लोगों को कराइए, तो हम लोग करा रहे तो तुम लोगों का लगा रहे तो फिर काहे नहीं होता है, ठीक। बहुत अच्छा, चलो ठीक है, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, ये हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 195, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, जब भी अशुद्धि मिलाते हो तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, ये बताना है, द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, द्रव का क्वथनांक लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, द्रव का क्वथनांक क्या होता है, लगाओ क्वेश्चन नंबर 195। आशा से आवाज आवाज नीक कर लो, अब हम नहीं चलाते, पते ना चलता है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या होती है, कौन लगा रहा है, हो कौन सी लगा रहा है, दीपू मिश्रा सी ने सिवान, सुमित कुमार सी लगा, अंजू कुमारी सी लगा रही है, ये भी देखो सी लगा रहा है, लाल बाबू कुमार सी लगा रहा है, कल्पना रानी भी सी लगाई है, रानी कुमारी सी भी, अरे भैया कव्या रॉय भी सी ये लगा रही है, देखो इन लोगों को, ये का लगा रहा है, अंकित पिक्कू लगा रहा है, मतलब बिट्टू बढ़ जाती है, चेंगरी अनु बढ़ेगा, चलो ठीक है, अच्छा है, बढ़ जाता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे तुम लोग खाना बनाते समय नमक मिला देते हो तो वो अशुद्धि हुआ, क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 196, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ये आपको बताना है, ठीक, तो जय विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने, ये बताओ, क्वेश्चन 196 लगाओ, लगाओ, मजा आ रहा है, काफी समय हो गया ना, 2.5 घंटा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, लैमार्क ने समझाया था, जय विकास को लैमार्क ने समझाया था। आगे लगाओ क्वेश्चन, अब ये लगाओ, तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लगाओ क्वेश्चन, बहुत तुम लोग रिविजन कर रहे हो ना, 197 लगाओ, क्वेश्चन नंबर 197 लगाइए, शंकर कुमार कुमार जी, क्वेश्चन 197 लगाइए, ठीक, लगाइए क्वेश्चन सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 197 अटेंड कीजिए लोग, लगाइए 197 के आंसर बी लगाए हैं शंकर कुमार कुमार जी सबसे पहले, ठीक, अच्छे, सी लगा रहे हैं यार तेरा सुपरस्टार, बहुत अच्छा, और कौन 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 सी, बस एक लोग सी लगाए हैं जी, ये आदित्य कुमार लगा रहे हैं सी, क्या बात है, बस एक लोग सी लगाए हैं, दो लोग मात्र, चल क्या रहा है, एनडीआर कुणाल ए लगा रहा है, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया लग रहा है, जो आए ना जाए हम, दीपू मिश्रा ए लगा रहे हैं, आई ना जाई हम इधर ही लगाएं कुछ लगाएं, एक प्रेम कुमार यादव जी भी बने हुए हैं, सी लगाए हैं प्रेम कुमार यादव जी भी, बहुत है, सावित्री पाल सी लगा रही हैं, अरे जा जा तो हालत खराब हो गई, डार्विन ने दिया था, डार्विन ने किसने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने, 197 का आंसर भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 198 लगाओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, लगाओ क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, लगाओ, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, लगाना है क्वेश्चन, ये तो सभी सही लगा देगा, ये सब सही लगा देगा, क्यों दूध लगा रहा है एकरा में, इसका आंसर कॉमन दूध लगा रहा है, मिल्क आचे अंग्री अनु लगा रही है, सोनू नारायण भी अच्छे है, ये सब, अरे अरे भाई श्वेत क्रांति लिखा है भाई, अरे श्वेत क्रांति लिखा है, व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, श्वेत क्रांति लिखा हुआ है,
व्हाइट रिवोल्यूशन नहीं लिखे हैं, श्वेत क्रांति लिखे हैं। अरे का भैया तू लोग भी, ये देखो एक कव्यारोह लगाई है पानी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कव्यारोह। ठीक, पानी लगाई है एक एक। कौन 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 और कोई सही लगा दे, सही लगा दे और कोई। दे दिए हैं करला में ऐड कर दिए करो ना, निकलने अभी फोन में आर्मी अम्मी बनारस नुबले। ई का अंकित पाल लिख रहा है जी, पते ना चल रहा है। चलो ठीक है, ये मिल क्लिक से होगा क्योंकि व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब दूध की क्रांति, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है, तो दूध हो जाता है व्हाइट मतलब दूध, तो ये दूध क्रांति जो होता है दूध से संबंधित होगा ना, श्वेत क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखो, ठीक, तो अलग अलग जो क्रांति हुआ है देख लो, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति जो है, 1 मिनट कहाँ भाग रहे भाई, यहाँ पर बादामी क्रांति मसाला उत्पादन संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, अमृत क्रांति नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, खाकी क्रांति जापड़ा उत्पादन से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन 199 लगाओ, पानी में घुलनशील विटामिन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखते हैं तुम लोग क्या लगा रहे हो। ठीक, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, चल लगाओ फास्ट कीजिए। 12 PM हो गया, अभी 12 PM होने वाला है, 12 PM से पहले तुम लोग को हम छोड़ देंगे, यानी कि क्वेश्चन निपटा देंगे, चिंता मत करो। चलो लगाओ। लगाओ क्वेश्चन, लगाओ लगाओ। अच्छे, ई कौन 199 के डी लगाया है, एक कौन कहाँ गया, 199 के डी लगाया है, प्रेम कुमार यादव सी लगा रहे हैं। हाँ, सी, सॉरी सी लगाए हैं प्रेम कुमार यादव, वही डी मतलब डी हो गया विटामिन। तो ये सी कौन कौन लगाए हैं, एक एक प्रेम कुमार यादव जी लगाए हैं सी। ठीक, ये कौन कौन है, ये कल्पना रानी बी और सी दोनों लगा रही है, बताओ सी मतलब ऑप्शन लगाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। बी, चलो ठीक है, सब लोग सही लगा रहे हो। ये विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, और विटामिन ए हुआ, विटामिन के हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन ई हुआ, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 200, ओजोन की परत किस मंडल में स्थित है, ये लगाओ। अब मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, और तुम लोग देखना आज कैसे गलती करते हो। ये जो ओजोन लेयर है ये कौन से मंडल में मिलता है, ये आप बताओ, देखते हैं। आप चिंताबाजी करते हैं, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, चिंताबाजी या कुछ भी, गुरु जी आप चकमा देते। अच्छे चलो, समताप मंडल कौन लगा है, बिट्टू कुमार। अच्छे, हम थोड़ा बताते हैं समताप मंडल है कि कौन ताप मंडल है, ये समताप मंडल सी लगा रहे हो, सब लोग सी लगा रहे हो। ये जो क्वेश्चन सही लगाएगा ना, वो समझ जाऊंगा कि रिविजन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन सही लगाएगा उसको पूरी तरीका से मैं मान जाऊंगा कि रिविजन कर रहा है। अभी तक पवन कुमार ए लगाए हैं। ठीक, चलो लगाओ क्वेश्चन, लगाओ। मान जाऊंगे कि तुम लोग का रिवीजन हो रहा है। एंग्री अनु लिख रही है आयन मतलब बी। अरे ऑप्शन लिखने के लिए बोलते हैं, ये सब लिखवे ना करता है, सी लगा रहे हैं सब। 200 का सी होगा, शंकर कुमार कुमार। चलो तुम लोगों को देखो निपटाते हैं कैसे। क्या बोल रहे हो कि ओजोन लेयर किस में पाया जाता है जी, सी में पाया जाता है। ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, सी में है, सी में पाया जाता है। यही रिवीजन तुम लोग कर रहे हो, यही रिवीजन कर रहे हो, हद इंसान हो भैया। कहाँ बोला जाए तुम लोगों को बताओ, है कहाँ ही बोला जाए तुम लोगों को। चलो ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, सबसे बड़ा इसका दुश्मन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सूरज के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है, ओजोन लेयर को मापा जाता है डॉप्सन में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाएगा, समताप मंडल। चलो अच्छा सा रिविजन हो रहा है इसका मतलब, बहुत अच्छा अच्छा सा रिविजन हो रहा है। एक क्वेश्चन और दिखाएं, एक क्वेश्चन और लगवाएं, लगाओगे, ईमानदारी पूर्वक लगाना है। ठीक, और चलो
क्वेश्चन नंबर 201 लगाओ, लगाओ क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 लगाओ, 201। ईमानदारी पूर्वक चलो, ऐसा ही क्लास चाहते हो तुम लोग, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज क्लास करा दे, कुछ कुछ मतलब अलग अलग सेक्शन का खत्म करा दें। ठीक, हाँ चलो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, तभी स्कोर कर पाओगे। प्रेशर जो होगा वहां पर ऐसे ही खत्म होता है। ठीक, हाँ चलो, प्रेशर ऐसे ही खत्म होता है। और जैसे काफी ज्यादा अगर पूछने लगते हैं फोर्स दे दे करके कि कैसा है, क्या होना चाहिए, तो तुम लोगों को दिमाग में होता होगा, अरे हम यहाँ पर भूल तो नहीं गए ना, मिस्टेक तो नहीं कर गए ना। यही चीज़ होता है पढ़ने का, कि बार बार तुम लोग अपने में, जैसे कि क्विज भी करते हो लोग, तो क्विज भी करते समय ये चीज़ देखा जाता है। ठीक, बहुत अच्छा, 176 सूरज कुमार लगाए हैं। चलो, पार्ट टू आएगा, इंडियन स्टार एग्जाम से पहले पार्ट टू मिल जाएगा। ठीक, अच्छे, ये यूट्यूब पर तो नहीं जाना चाहिए ना, YouTube पर नहीं डालेंगे। अब तुम लोग बोल दिए हो तो तुम लोगों को दिल कैसे दुखवा सकते हैं। स्टार 187 लगाए हैं, मैथमेटिक्स स्टडी 175 लगाए हैं, पूजा कुमार 170 लगाई हैं, और सुप्रिया सी 180 लगाई है, कव्या रॉय, पूजा कुमार 170, मनीष कुमार 180, विकास विकू 165, सोनू रनर 180, विक्की यादव 172, ठीक है, स्टार 187, सवित्री पाल 185 है, ठीक, और रानी सिंह 140 है, बलेंद्र चौहान 182 है, ठीक, और सोनू रनर सुमन कुमारी 168 है, यार तेरा सुपरस्टार आपकी कसम 194, ठीक, मित्तु कुमार 185 है, इंडियन उस्ताद 180 है। हमारा कसम मत खाया करो, फालतू फालतू तुम लोग कसम खाकर हमको निपटाने के चक्कर में लगे हुए हो। मनीष कुमार 180 लगाए हैं, स्टार 187 लगाए हैं, पूजा कुमारी 170 लगाए हैं, इंडियन उस्ताद 180 लगाए हैं, बहुत अच्छा, अजय कुमार 161, विशाल कुमार 160, स्टार 187, बहुत अच्छा, गुरुदेव कुमार 150 लगाए हैं, ठीक, पूजा कुमारी 170 है, अनुज कुमारी 170 है, काव्या रॉय 182 है, स्टडी मोड का डेंजर बॉय 175 लगाए हैं, सोनू रन 180 है, चलिए बहुत अच्छा, पूजा कुमारी 170, स्टार 187, चलो अंजु कुमारी 170, गुरुदेव कुमार 150, सुमन कुमारी 168, अरुण भरी 196, हम काउंट नहीं किए सर, इसका पीडीएफ छोटा छोटा कर कर दे दीजिए। अगर अभी गुप्ता का तो यह टेंशन पड़ा रहता है, छोटा छोटा पीडीएफ देना है, पीडीएफ निकलवाना है, मिल जाएगा, छोटा छोटा पीडीएफ कर कर मैं आप लोगों को, मैं अपने लिए थोड़े ना क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, यानी आप ही लोगों के लिए टाइप कराया गया है, तो ये आप ही लोगों को मिलेगा। अरे मेरा जेन्युइन मकसद है भाई, आप लोगों का होना चाहिए रिजल्ट, तो उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट होगा तभी नाम होगा, तभी काम मेरा भी दिखाई देगा। ठीक, सो ये तो मैं जेन्युइन चाहता हूँ ना आप लोगों के लिए। पीडीएफ मिल जाएगा एक दो दिन में, मैं पीडीएफ इसको छोटा कर दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीडीएफ निकलवा लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, बहुत अच्छा, चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई गिन नहीं पाया तो ठीक, हाँ मिल जाएगा पीडीएफ, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग देते रहो, मुझे भरोसा है आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। और जाओ, अब रात्र काफ़ी हो गया, रात्रि हो गया है, और गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को, और पापा मम्मी भैया भौजी से बात करते रहो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक, अगले चीज़ के साथ, अगले महत्वपूर्ण जो होगा, नहीं हिंदी का नोट्स भी कल से मैं भी डालने शुरू कर दूंगा पूरा नोट्स, आप लोग नोट्स भी देखने लगिएगा, और अच्छे से हिंदी का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्णा, हरे रमा।